थैंक यू। आप सब अच्छे हैं, उम्मीद से चेहरों से नजर आ रहे हैं, बड़े खुश बैठे हैं, खैरियत है जी। आपका गुड नेम क्या है जी? माशाल्लाह। तमाम बच्चों ने क्रिमिनोलॉजी को ऑप्ट किया। आपको 5-10 मिनट ब्रेक कीजिए, मैं जरा सब्जेक्ट को जस्टिफाई कर लूं, जितना स्पेस है उतना कोशिश करता हूं। क्रिमिनोलॉजी एक लेमैन हमसे पूछे, अगर सवाल पूछता है कि क्रिमिनोलॉजी क्या है और किसकी स्टडी है, इसका एक्सपेंडिंग स्कोप क्या है, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस इन पाकिस्तान क्या है, क्रिमिनोलॉजी का विजन क्या है, मिशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, गोल्स क्या है, व्हाई क्रिमिनोलॉजी, उसके जवाब देने के लिए आज हमने क्लास रखी है। आज इस क्लास में हम कुछ सिलेबस डिस्कस करेंगे, कोई एक टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा अपने इस सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने की कि ये सब्जेक्ट है क्या और हमें क्यों ये ऑप्ट करना चाहिए, क्या पर्पसेस हैं इस सब्जेक्ट के एज ए डिसिप्लिन, एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, एज एन ओरिएंटेड रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट, और सोशल साइंस बिहेवियर साइंस के तौर पर ये क्या सब्जेक्ट है। पहली बात तो ये कि क्रिमिनोलॉजी एक सोशल साइंस है, आप इसे लॉ ना समझिए, कोई वकील पढ़ाने के लिए आया है या जज पढ़ाने आया है या प्रोसिक्यूटर पढ़ाने के लिए आया है या प्रैक्टिशनर पढ़ाने आया है, तो हो सकता है ये लॉ नहीं है, जिस तरह के आप कुछ लोग कंफ्यूज भी बैठे हैं, परेशान से भी हैं, ये कोई लॉ नहीं, ये एक सोशल साइंस है, जिस तरह सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, ये सोशियोलॉजी का सब डिसिप्लिन है क्रिमिनोलॉजी, ये एक ब्रांच है, उसी की ट्विन सिस्टम है ये सोशियोलॉजी की क्रिमिनोलॉजी। और क्रिमिनोलॉजी बेसिकली जो क्रिमिनोलॉजी है वो कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, एक हमारे पास क्रिमिन है और एक है ओलॉजी। देखिए अगर हम बाइफर्केट करें, डिवाइड करें, हमारे पास दो बातें आती है, क्रिमिन एंड ओलॉजी। हम एटिमोलॉजिकली स्पीकिंग, लिटरली स्पीकिंग, हम इसको जरा तोड़ फोड़ करके, तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं आपके सामने। क्रिमिनोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक लातिनी है, लैटिन एक्सप्रेशन है, अंग्रेजी की समझ आती, अंग्रेजी समझ आती है, और एक ओलॉजी है, स्टडी है, साइंस है, थ्योरी है, इसका मीनिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, फिलोसफी है और साइंस है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, सिस्टमेटाइज स्टडी है। तो अगर हम देखें क्रिमिन क्या है, क्रिमिन से मुराद है कि क्राइम, अगर हम बेसिकली इसको देखें और गौर से देखें तो इसका मीनिंग है गिल्ट,
गिल्ट की स्टडी, गिल्टी पर्सन, गिल्ट, एक्यूजेशंस जिन पर इल्जाम लगे गए, लगाए गए, एलिगेशंस पुट किए गए, एलिगेशंस पुट किए। और ज्यादा हम क्लोज स्टडी, क्लोज ऑब्जर्वेशन में जाए तो हम देखते हैं कि ये तो अनलॉफुल एक्ट्स, एक्ट्स की स्टडी, इलीगल एक्शंस की स्टडी है और तमाम इलीगल एक्ट्स, एलिगेशंस, एक्विजिशंस और वो तमाम बैड एक्ट्स वो जनाब पाल करते हैं क्राइम, वो क्राइम है। क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो हमारी मोरालिटी या मॉरल वैल्यूज के भी खिलाफ है, सोशल नॉर्म्स के खिलाफ भी है। सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं भाई? ये माशरे के एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स होते हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। प्रोस्क्रिप्टिव भी होते हैं और प्रेस्क्रिप्टिव भी होते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी होते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी होते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं? बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमें गाइड करते हैं आपने इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या नहीं करना। आपने हमेशा छोटों पर शफकत और बड़ों का अदब करना है, बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल नहीं होना। ये अलग बात है कि आप चेज करते हुए, किसी का पीछा करते हुए किसी घर में एंटर हो जाए तो फिर मुआशरा सजा देता है, कानून तो देता ही है, सोसाइटी भी, यू आर पनिश्ड बाय द सोसाइटी एज ए होल, वो भी थप्पड़ और हर चीज रिसीव करता है। इसने कभी जिंदगी में थप्पड़ भी किसी को रिसीव नहीं किया क्योंकि आप चेज करते हुए, पीछा करते हुए किसी असल घर में जाने की बजाय किसी दूसरे घर में एंटर। क्राइम क्या है? मॉरल वैल्यूज की वायलेशन। क्राइम क्या है? सोशल नॉर्म्स की वायलेशन। क्राइम क्या है? वायलेशन ऑफ लॉ है। भाई कौन सा लॉ? क्रिमिनल लॉ की वायलेशन को क्राइम कहा जाता है। और क्रिमिनोलॉजी क्या करती है? परपेचुएट्स द मिथ ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी परपेचुएट्स द मिथ ऑफ क्राइम। और क्रिमिनोलॉजी बताती है हमें क्राइम के बारे में कि क्राइम इनएविटेबल है, क्राइम इनएविटेबल फेनोमेना है, इंटीग्रल पार्ट है, नेसेसरी है, एसेंशियल है, इसके बगैर गुजारा गुजूरा कोई नहीं है। Without crime, society would be abnormal. Society abnormal होगी, इसी को minimize तो किया जा सकता है लेकिन completely abolish नहीं किया जा सकता, eliminate नहीं किया जा सकता। Crime आज से नहीं है, from the time immemorial से है, when first crime was committed by son of Adam against the son of Adam out of tremendous greed. Cain ने Abel का murder कर दिया out of tremendous greed when first crime was committed against brother, son of Adam, to janab out of greed, kisi lalaj koi bhi ho sakta hai, aur lalaj kya tha? Zan, zar, zameen, teen baatein thi. Duniya aaj bhi उन्हीं मोटिव्स और कॉजेज ऑफ क्राइम को हाईलाइट करती है और वो तीन बातें हैं, जन, जर और जमीन। आज भी मर्डर होते हैं, हमारे पास केसेस आते हैं, हमने कहा क्यों मर्डर किया, वजह हमने देखा जन थी। वजह क्या थी? जमीन। एक भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, वजह क्या थी? दौलत, प्रॉपर्टी, लेन देन प्रॉपर्टी का चल रहा था। तीन वजूहात हैं, आज से नहीं है, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल से हैं, जन, जर, जमीन कॉजेज हैं क्राइम का। और ये किसके एम्बिट में फाल होती है? क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी मैंने अभी अर्ज किया, परपेचुएट्स द मिथ ऑफ क्राइम।
क्रिमिनोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स क्रिमिन एंड ओलॉजी. हर वो बैड एक्ट जो अगेंस्ट मोरालिटी हो, सोशल नॉर्म्स की वायोलेशन में हो, कोड ऑफ कंडक्ट की वायोलेशन में हो, एग्जिस्टिंग पिनल कोड की वायोलेशन में हो. पिनल कोड रابطہ पाकिस्तान, पिनल कोड ताजिरात पाकिस्तान, ताजिरात हिंद नहीं भाई, ताजिरात पाकिस्तान वो आईपीसी है, हमारी पीपीसी है. हमने उधार लिया पीपीसी को, आज तक उनको वापस नहीं किया. हमने खुद से कोई कानून नहीं बनाया, सिर्फ लॉर्ड मैकाले की उसी आईपीसी को हमने कॉपी किया और उसको पीपीसी में कन्वर्ट किया और हमने कुछ नहीं किया. लॉर्ड मैकाले का आज भी 1860 का वो जाब्ता जिसमें सजाएं हैं, जराइम है, उनकी इंटरप्रिटेशन है, एक्सप्लेनेशन है, डिफेंसेस हैं, क्राइम्स हैं, ऑफेंसेस हैं, उनकी डेफिनेशन हैं, उनकी पनिशमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, आज तक हम उसी को फॉलो कर रहे हैं. क्राइम क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वायोलेशन है. एक लॉयर के नजदीक, एक प्रोसिक्यूटर के नजदीक, एक जज के नजदीक क्राइम क्या है? वायोलेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है. और क्या है? वायोलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ है. और क्या है? एग्जिस्टिंग पिनल कोड ऑफ द कंट्री. हर मुल्क का एक कोड होता है, पिनल कोड, जिसे सजाओं वाला जाब्ता कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ ताजिरात पाकिस्तान है, जो जराइम को डिफाइन करता है, क्राइम की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है और उनकी पनिशमेंट प्रोवाइड करता है. तो जनाब, क्राइम पब्लिक रॉन्ग है, पब्लिक के राइट्स की वायोलेशन करता है. क्राइम इन वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन करता है क्राइम. क्राइम क्या है? साइंटिफिक रॉन्ग है, साइबर क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ट्रांसनेशनल क्राइम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, विक्टिमलेस क्राइम है, क्राइम विदाउट विक्टिम है, विक्टिम विदाउट क्राइम है, कंसेंसुअल क्राइम है. ये जो खुद अपने आप को इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सुसाइड करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, क्राइम्स विदाउट विक्टिम्स, विक्टिमलेस क्राइम, मॉरलिस्टिक क्राइम, कंसेंसुअल क्राइम. ये तमाम क्राइम की स्टडी, तमाम क्राइम की स्टडी वो क्रिमिनोलॉजी है. Suicide itself for crime. Even attempt to commit suicide is a crime under section 325 of PPC. तो गुजारिश ये है कि क्राइम की स्टडी का नाम हर तरह की ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम्स, सुपर क्राइम हो, हाईजैकिंग हो, उसमें टेररिज्म हो, उसमें विमेन की ट्रैफिकिंग हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, हर किस्म की करप्शन हो, हर किस्म का स्कैंडल और स्कैम हो, उसकी स्टडी किसके एम्बिट में, किसके परव्यू और डोमेन में फॉल करती है, वो है क्रिमिनोलॉजी. और मैंने अर्ज की कि क्राइम जो है वो पब्लिक रॉन्ग भी है, साइंटिफिक रॉन्ग भी है. जब हम साइबर क्राइम देखते हैं कि जनाब क्राइम की कमीशन के लिए, क्राइम का इंतकाब करने के लिए, जुर्म का इंतकाब करने के लिए हम कंप्यूटर को एज अ वेपन, एज अ टूल, एज अ टारगेट, एज अ मीन, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और आईटी का सहारा लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए साइबर स्पेस कोड की वायोलेशन करते हैं, उसे हम साइबर क्राइम. तो आज अब देखते हैं स्पूफिंग है, स्पैमिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, साइबर बुलिंग है, साइबर स्कैटिंग है. आज हम देखते हैं साइबर टेररिज्म है, साइबर पोर्नोग्राफी है, हेट स्पीच है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन है, आज साइबर क्राइम राइजिंग रैपिडली इन पाकिस्तान, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है. अगर आप रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान
129th नंबर पे है आउट ऑफ 193 ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पाकिस्तान की अगर आप इंडेक्स रिपोर्ट देखें और इस तरह अगर आप ग्लोबल ग्लोबल जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखें क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनोलॉजी में वो हजूरे वाला 108 आउट ऑफ 133 कंट्रीज है, याद रखिएगा 108 आउट ऑफ 133 कंट्रीज ओवरऑल जो रैंकिंग है पाकिस्तान की वो याद रखिए 129 है सिविल जस्टिस सिस्टम में, याद रखिए 128 सिविल जस्टिस सिस्टम में है, 133 आउट ऑफ 139 कंट्रीज एज ए होल रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट उसके बाद आज क्राइम एक सोशल हार्म है, क्राइम एक सोशल प्रॉब्लम है, क्राइम की स्टडी क्रिमिनोलॉजी सोशल कॉन्टेक्स्ट में करती है और क्रिमिनोलॉजी क्राइम को एज अ सोशल प्रॉब्लम टेकअप करती है और अनएम्प्लॉयमेंट ब्रोकन फैमिलीज इलेजिटिमेसी लिटरेसी करप्शन पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ क्राइम इन सोशल प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में केस टू केस स्टडी क्राइम की एक ही सब्जेक्ट करता है और वो है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, वो है मोस्ट डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट, वो है मिक्सचर ऑफ मेनी डिसिप्लिन्स, वो है फास्टेस्ट ग्रोइंग सब्जेक्ट अक्रॉस द ग्लोब और वो है क्रिमिनोलॉजी जो मोस्ट डायनामिक फील्ड ऑफ स्टडी क्राइम अपनी ओवर ब्रांचेस की वजह से और अपना रिलेशन डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वजह से अपने एक्सपेंडिंग स्कोप अक्रॉस द ग्लोब की वजह से और क्रिमिनोलॉजी इसलिए भी वर्सटाइल फील्ड ऑफ स्टडी है कि कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ क्राइम है, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ क्राइम की वजह से पूरी दुनिया में क्राइम रेट इंक्रीज हुआ, जब पूरी दुनिया में क्राइम रेट इंक्रीज हुआ तो क्रिमिनोलॉजी की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुई, एक्सपैंड हुई, स्कोप एक्सपैंड। इसलिए कहा जाता है कि क्रिमिनोलॉजी इज अ वंडरफुल रिच सब्जेक्ट, इसलिए इसको कहा जाता है, ये एक इंडिस्पेंसिबल सिस्टम जो कि इंटरडिसिप्लिन, जिसका ताल्लुक बायोलॉजी से भी है, जिसका ताल्लुक फोरेंसिक साइंस से भी है, जिसका ताल्लुक एंथ्रोपोलॉजी से भी है, जिसका ताल्लुक सोशियोलॉजी से भी है, जिसका ताल्लुक सोशियोलॉजी ऑफ लॉ से भी है और जिसका ताल्लुक सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम एंड डिवियंस से भी है और जिसका ताल्लुक जो है वो साइकेट्री से भी है, जिसका ताल्लुक फोरेंसिक पैथोलॉजी से भी है, पैथोलॉजी डेड बॉडी जो पड़ी है कितने टाइम इंजरी और डेथ में क्या टाइम था, इंजरी हुई डेथ में कितना टाइम था, फोरेंसिक पैथोलॉजी टाइम कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ, ये तमाम ब्रांचेस की स्टडी किसके एम्बिट और परव्यू स्कोप और डोमेन में आती है, एक ही डिसिप्लिन है, एक ही डायनामिक मोस्ट डायनामिक फील्ड है, एक ही सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला सब्जेक्ट है, एक ही सब डिसिप्लिनरी क्रॉस डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और वो है क्रिमिनोलॉजी। तो जनाब क्राइम सोशल हार्म है, सोशल प्रॉब्लम है, पब्लिक रॉन्ग है, लीगल रॉन्ग है, प्रोसीजरल रॉन्ग है, हिस्टोरिक रॉन्ग है, साइंटिफिक रॉन्ग है, कन्वेंशनल रॉन्ग है
और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमनिस्टिक रॉन्ग है, फेमिनिस्टिक रॉन्ग है। अब अंदाजा कीजिए कि आजकल जो जेंडर बेस्ड वायलेंस क्राइम है और कंप्लेंट सेल्स बना दिए गए हैं, अब तो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो इन तमाम फैक्टर्स ने और कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ क्राइम जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, उसने क्रिमिनोलॉजी के स्कोप को और इम्पोर्टेंस को हमेशा हमेशा के लिए अपहोल्ड कर दिया और एक्यूमुलेट कर दिया। और क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा है, एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, क्रिमिनोलॉजी इज एवर इवॉल्विंग साइंस ऑफ क्राइम है। तो जनाब, क्राइम इनएविटेबल है इन एवरी सोसाइटी। No society is free from crime. Every society has to confront with the problem of crime and criminality. Aur ye aaj se nahi hai. Since the dawn of human civilization, crime kaisa raha hai? Baffling raha hai, perplexing raha hai, bada takleef de raha hai insaniyat ke liye. Aur kaisa raha hai? Exasperating problem raha, vexing problem raha hai insaniyat ke liye. Aur janab, ये मिनिमाइज तो किया जा सकता है, इसको इट कांट बी अबॉलिश्ड। ये ऐसे ही इटर्नल है जैसे हमारा मुआशरा इटर्नल है, हमेशा रहने वाला है। ये इसी तरह डिफरेंट है जैसे हमारे हाथों की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो डिफरेंट है। सर, फिंगरप्रिंट्स की स्टडी डेक्टिलोस्कोपी किसकी ब्रांच है? क्रिमिनोलॉजी। किसकी ब्रांच है? फोरेंसिक साइंस। किसकी ब्रांच है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। और एंथ्रोपोमेट्री, फेसेस देखकर ये बताना कि ये क्रिमिनल है, फेशियल फीचर्स से डिटरमिन करना कि ये क्रिमिनल है, आइडेंटिफिकेशन परेड की साइंस एंथ्रोपोमेट्री। किसकी ब्रांच है? क्रिमिनल। किसकी ब्रांच है? फोरेंसिक साइंस। और जनाब, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट, पॉइजन और डेथ, रिगर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस, जो डॉक्टर हैं आप में से डॉक्टरी पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है डेथ की इन्वेस्टिगेशन, डेथ के कॉज को ढूंढने के लिए कि क्या वजह बनी जी, डेथ क्यों हुई। तो ये तीनों बातें बताती हैं कि डेथ कैसी हुई, स्टिफनिंग से हुई, डिकम्पोजिशन से हुई, कब ब्लड जो है सर्कुलेशन स्टॉप हो गई, डेथ हुई। और ये बताते हैं कि डेथ की मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, क्या वेपन इस्तेमाल किया गया इसको कॉज डेथ के लिए। इन तमाम एलिमेंट्स को, फैक्टर्स की स्टडी को क्रिमिनोलॉजी कहा जाता है। याद रखिए, अब देखिए, आप किसी का दिल तोड़ते हैं, किसी को जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं और वो दिल तो दोबारा नहीं जुड़ सकता, उसकी स्टडी को सिमियोलॉजी कहा जाता है। सोशल हार्म्स और ट्विस्टेड बिहेवियर्स, ट्विस्टेड कंडक्ट्स, अपने बिहेवियर से किसी को हर्ट करना, किसी की फीलिंग्स, इमोशंस, पैशंस और सेंटिमेंट्स के साथ खेलना, आपको झूठे ख्वाब दिखाना और जनाब फॉल्स होप्स दिखाना कि आप जरूर सीएसएस कर जाएंगे और जरूर ये काम कर जाएंगे, आप में बड़ा टैलेंट है, बहुत कुछ है। तो जब आप हर्ट हो जाएं तो उसकी स्टडी का नाम सिमियोलॉजी है और सिमियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लोग साइकोटिक हो जाते हैं, न्यूरोटिक हो जाते हैं, साइकोपैथ हो जाते हैं, सोशियोपैथ हो जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाते हैं और जनाब फिर वो हर मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं और हंसते हुए भी लगता रो रहे हैं। तो जनाब गुजारिश ये है, इसकी स्टडी को हम साइकोनेरोपैथोलॉजी कहते हैं। हजूर वाला तो उसको चाहिए कि गेट योरसेल्फ चेक बाय गुड डॉक्टर।
तो 102 बच्चों का कातिल जावेद इकबाल लाहौर का रहायशी था, न्यूरोटिक था, साइकोटिक था, साइकोपैथ था, सोशियोपैथ था, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था, स्किज़ोफ्रेनिया, लोगों से डरा करता था, और 102 बच्चों का मर्डर उसने किया, उसकी उनकी डेड बॉडीज को डिसमेंबर करता था और बेहरुती किया करता था, और एक उसने साइकोटिक होने की, न्यूरोटिक होने की मिसाल प्रेसिडेंट कायम की, आज भी हम उसके लिविंग एग्जांपल दे रहे हैं। तो साइको न्यूरोपैथोलॉजी की स्टडी ये फॉल करती है विद इन द एम्बिट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी की डोमेन में फॉल करती है। अब देखें, ये स्टडी क्रिमिनल्स की है। अब आप में से कोई फील कर ले कि ये स्टडी मुझ पे लागू होती है तो ऐसी बात नहीं है, ये स्टडी क्रिमिनल्स की है। देखेंगे साइकोलॉजी अगर मैं बता रहा हूँ तो ये क्रिमिनल्स की है। आप तो थारो ब्रेड और थारो जेंटलमैन है और हमारे मुल्क का असासा है, फ्यूचर है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, आपके साथ हमारे ड्रीम्स हैं, तो इसलिए ये क्रिमिनल्स की बातें हैं, क्योंकि स्टडी ही क्राइम की, क्रिमिनल बिहेवियर की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, क्रिमिनल लॉ की, और अधूरे वाला क्रिमिनल्स के एट्रीब्यूट्स की स्टडी को हम क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। तो क्राइम इज इनेविटेबल इन एवरी सोसाइटी, एवरी सोसाइटी हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनलिटी, और इसकी स्टडी को क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। क्राइम क्या है भाई? क्राइम क्या है? क्राइम सोशल इंजरी है, क्राइम लीगल रॉन्ग है, क्राइम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और क्राइम जो है, याद रखिए, क्राइम की डेफिनेशन हमेशा रूलिंग क्लास देती है। क्राइम किस वजह से? हैव और हैव नॉट्स के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, द रिच एंड पुअर के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्राइम है सोसाइटी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की विक्रांत ने, उसने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उसने कहा सोसाइटी इनवाइट्स क्राइम एंड क्रिमिनल्स एक्सेप्ट द इनविटेशन। विक्रांत पारसाई ने बहुत जबरदस्त बात की, उसने कहा सोसाइटी इनवाइट्स क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स एक्सेप्ट द इनविटेशन, सोसाइटी इनवाइट्स क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स एक्सेप्ट द इनविटेशन। जरूर वाला, क्राइम इज अ वायोलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, क्राइम इज अ वायोलेशन ऑफ पिनल कोड ऑफ द कंट्री, क्राइम इज अ वायोलेशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स, जो इस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी वायोलेशन को हम क्राइम कहते हैं। और जनाब, व्हाट डज इट मीन ऑलॉजी द स्टडी, ग्रीक एक्सप्रेशन है, स्टडी साइंस और बॉडी ऑफ नॉलेज और नॉलेज। ये स्टडी किसकी है? क्राइम की है। साइंस किसकी है? क्राइम की है। ये बॉडी ऑफ नॉलेज किसकी है? क्राइम की है। अभी और भी लिखिए, ये साइंटिफिक स्टडी किसकी है? क्राइम की है। ये सिस्टमेटाइज स्टडी की, प्लेस स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं बस ना वहां लिख सकता था, लिखा सिस्टमेटाइज स्टडी किसकी है? क्राइम की। फिलोसफी किसकी है? क्राइम की। साइंटिफिक डिस्कोर्स किसका है? क्राइम का। सिस्टमेटाइज्ड साइंटिफिक स्टडी किसी की है? क्राइम की। भी ये अल्फाज मैं नहीं कह रहा, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिमिनोलॉजी वॉल्यूम 1 रिचर्ड ए राइट ने जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने कहा कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो साइंटिफिक और एंड सिस्टमेटाइज्ड स्टडी है क्राइम की, क्रिमिनल बिहेवियर की, क्रिमिनल्स की, और फिर क्राइम प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज की, और ये डील करती है विद द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स,
डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, ये उन्होंने कहा इनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिमिनोलॉजी रिचर्ड ए राइट। फिर मैंने दुनिया के बेहतरीन डिक्शनरी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से रब्ता किया। मैंने कहा व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी? उन्होंने कहा जी सिर्फ तीन बातें हैं, क्रिमिनोलॉजी इज अ साइंस ऑफ क्राइम, साइंस ऑफ क्रिमिनल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव पनिशमेंट्स। साइंस है किनकी? क्राइम की, क्रिमिनल्स की एंड देयर रिस्पेक्टिव पनिशमेंट्स। तीन बातें ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने की। जी तीन बातें बेटा, साइंस ऑफ क्राइम, क्रिमिनल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव पनिशमेंट्स। फिर मैंने दुनिया की बेहतरीन डिक्शनरी सेज डिक्शनरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी से रब्ता किया। मैंने कहा जरा बताना व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी, सवाल है, क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी। तो सेज डिक्शनरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो बड़ी अकल वाली डिक्शनरी थी सेज, इसने हमें जवाब दिया। इसने कहा जी तीन बातें हैं, नंबर वन स्टडी ऑफ क्राइम, ठीक है जी, जुर्म के मुताले का नाम जुर्मियात है, नंबर वन। नंबर टू उसने कहा जी अटेम्प्ट टू इट, जुर्म करने की तरफ जो अटेम्प्ट इकदामे जुर्म है, इकदामे कत्ल जो है, अटेम्प्ट टू इट, नंबर टू अटेम्प्ट टू इट। और नंबर थर्ड मैंने कहा क्या, उन्होंने कहा जी एटीट्यूड अगेंस्ट क्राइम, एटीट्यूड रिएक्शन क्या है मुआशरे का, मोरालिटी का, स्टेट का, सोसाइटी का, पेनल कोड का, क्रिमिनल लॉ का, क्या रिस्पॉन्स आया भाई, क्राइम हुआ है तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स, एटीट्यूड टू इट। तीन बातें हैं क्रिमिनोलॉजी, नंबर वन स्टडी ऑफ क्राइम, नंबर टू अटेम्प्ट टू इट, नंबर थ्री एटीट्यूड टू इट। तीन बातें दुनिया की बेहतरीन किताब ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ क्रिमिनोलॉजी माइक मोगीर मॉड ने लिखी और उन्होंने क्या कहा, माइक ने कहा, मैंने पूछा कि आपकी किताब बड़ी हाईली एक्नॉलेज्ड और एक्लेम्ड बुक है, आप क्रिमिनोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा क्रिमिनोलॉजी बेसिकली नॉलेज है अबाउट जस्टिस एंड क्राइम, क्राइम और जस्टिस का नॉलेज है, नॉलेज अबाउट क्राइम एंड जस्टिस, ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ क्रिमिनोलॉजी रिटन बाय माइक मोगीर, MOGIRE मोगीर। जी knowledge about crime and justice, criminology is knowledge about crime and justice. फिर मैंने राबता किया इससे अच्छी किताब 21st century criminology से, आपकी किताब तो बड़ी लेटेस्ट है, आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी simply criminology is the study of crime originated from two words, एक क्रिमिन है और एक ology और कुछ नहीं है। स्टडी ऑफ क्राइम कहा और ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू वर्ड्स, एक क्रिमिन और एक ऑलॉजी उन्होंने कहा। ये कौन सी किताब? 21st सेंचुरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी मिचेल मिलर की किताब है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं बेटा। 21st सेंचुरी मिचेल मिलर, जे स्टार्ट में होगा जे मिचेल मिलर। फिर मैंने राबता किया, दुनिया उस डिक्शनरी को बहुत मानती है, डिक्शनरी ऑफ क्राइम एंड जस्टिस जोशिया एंड ड्रेसलर वॉल्यूम 4
encyclopedia of crime and justice, Joshua and Dressler, author का नाम है volume 4. मैंने कहा कि what is criminology, कहा कि हम बताते हैं आपको criminology क्या है. उन्होंने कहा कि criminology basically तो science है, study है क्राइम की, क्रिमिनल बिहेवियर की, क्रिमिनल्स की, क्राइम की, क्रिमिनल बिहेवियर की, क्रिमिनल्स की, क्रिमिनलाइजेशन की स्टडी है, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनलिटी की, कॉज ऑफ क्राइम की, कॉजेशन ऑफ क्राइम की, बेसिकली ये स्टडी है. और साथ में उन्होंने कहा कि जी ये खास तौर पर societal response to crime उसकी study है. और उन्होंने कहा most importantly ये कि ये एक empirical science है, इसमें scientific method इस्तेमाल होता है causes of crime को determine करने के लिए statistical data तैयार किया जाता है, तो अब इसमें scientific method इस्तेमाल किए जाते हैं, research methodology use होती है, ये empirical science, ये एक empirical science है. जनाब इसका ताल्लुक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से है, फोरेंसिक साइंस से है, पिनोलॉजी से है, विक्टिमोलॉजी से है. जनाब ये तो अप्लाइड साइंस है, ये तो अप्लाइड साइंस है जनाब. ये तो क्राइम की डिटेक्शन, क्राइम की प्रोसिक्यूशन, क्राइम की कॉजेशन और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल होती है. ये तो एक अप्लाइड साइंस है. तो एम्पिरिकल साइंस भी है, डाटा कलेक्शन होती है, क्राइम ट्रेंड्स, क्राइम पैटर्न्स, एटियोलॉजी ऑफ क्राइम, कॉजेज ऑफ क्राइम, कॉज ऑफ क्राइम के कोरिलेशंस, क्राइम एंड जेंडर, क्राइम एंड एज, क्राइम एंड टेम्परमेंट, क्राइम एंड मूड, क्राइम एंड सीजन, क्राइम एंड क्लाइमेट. लोग यंग एज में ज्यादा क्राइम क्यों करते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड एज, लोग जो है वो गर्म मौसम में, समर में क्यों क्राइम करते हैं, विंटर में क्यों नहीं करते. और जनाब क्राइम एंड जेंडर, आज 70% खवातीन पाकिस्तान में ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार है, और पाकिस्तान दुनिया का डेंजरस तरीन 6th या 10th अब CSS एस्पायरेंट है जी. डेंजरस और वर्स्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, 2022 और 2020. आप पढ़ लीजिए खवातीन के लिए, और एवरी पासिंग मोमेंट, एवरी पासिंग डे 11 केसेस ऑफ रेप आर बीइंग रिपोर्टेड एवरी डे. और इस जुलाई में मंथ, जुलाई के मंथ में जो लास्ट टाइम है, उन्होंने फिगर्स दिए हैं, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा कि हाउ मेनी खवातीन जो है वो ब्रूटली उनके साथ ज्यादती की गई है, और क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन कितने ज्यादा हैं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन कितने ज्यादा हैं. और फिर आप ही के मुल्क पाकिस्तान में बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस ट्रेन का वाक्य देख लीजिए, जिंदगी की इंतहा देख लीजिए, आप ज़ैनब मर्डर केस देख लीजिए, फरिश्ता मर्डर केस देख लीजिए, खदीजा सिद्दीकी अटैक केस देख लीजिए, महम केस देख लीजिए, आप नूर मुकद्दम केस देख लीजिए, और मोटरवे गैंग रेप केस देख लीजिए, मीनार पाकिस्तान की सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस देख लीजिए, इस्लामाबाद का सेक्सुअल हैरेसमेंट का वाकया देख लीजिए. क्यों, व्हाई इन पाकिस्तान दीज आर टेकिंग प्लेस, ऑल फॉल इन द एम्बिट ऑफ कर्नाटक.
जी आप जरूर नमाज पढ़ के आ जाए। इस्लाम कहते हैं कि नॉलेज ऑफ एवरी काइंड शुड बी एक्वायर्ड, और साथ में कहते हैं कि यू हैव टू ट्रेवल टू चाइना, अगर जाना पड़े फिर भी तालीम हासिल करो। ब्रेक के लिए नहीं कहते हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं बेटा। हाँ श्योर श्योर जा सकते मुझे तो आज तक ऐसी किताब नहीं मिल सकी, आपको मिली वो तो मुझे जरूर बताइए। ये भी है और इसके अलावा हम तो दीवाने हैं, हम फिर मैंने कैथरीन से पूछा, कैथरीन इज विलियम ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑन क्रिमिनोलॉजी 7th एडिशन, ये क्रिमिनोलॉजी क्या है सारी दुनिया में, इट हैज बूम्ड, इस सब्जेक्ट ने एक्सपेंड कर दिया अपने स्कोप को विद इन द ईयर्स, ट्रेमेंडस ग्रोथ की वजह से और रैपिडली ग्रोइंग अक्रॉस द ग्लोब। तो जवाब आया कि ये इंसान के बिहेवियर की स्टडी है ना, तो इसलिए इसने एक्सपेंड तो कर ही जाना था, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ डिसिप्लिन। इसका ओरिजिन हुआ है सोशियोलॉजी और क्रिमिनल लॉज, इसलिए इसको ट्विन सिस्टर ऑफ सोशियोलॉजी कहा गया, याद रखिए। और कैथरीन ने जवाब दिया, मैंने कहा व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी, आपने कैसे डिफाइन किया अपनी किताब में? तो जवाब आया, नोट फरमा लीजिए, ऑनलाइन आपको ये किताब मिल जाएगी, अवेलेबल होगी। मेरे पास तो ओरिजिनल है और मैं पीडीएफ वगैरह पे बिलीव नहीं रखता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वो बार बार देखकर अपनी आंखों पे ग्लासेस वगैरह मुझे लगानी पड़ जाए, ये बहुत बुरा फील होता है, तो अल्लाह ना करे ऐसा। तो मैं ओरिजिनल जो सोर्स है जो हार्ड फॉर्म में है वही मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, उसी को इंजॉय करता हूँ। इन चीज़ों में पीडीएफ वगैरह वो किताब पढ़ने वाले नहीं होती और स्टूडेंट भी पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ उसको हिफाजत से अपने पास रखते हैं, वो किसी टाइम डाटा जो है वो डिस्टॉर्टेड भी हो जाता है, बाद में वो खत्म हो जाता है। अपने दिल की तसल्ली के लिए किताब को पीडीएफ में रखते हैं। मैंने कहा क्या है? उसने कहा जी स्टडी ऑफ क्रिमिनल लॉ जो है ना उसकी करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी का नाम है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ नंबर वन। उसने बात सुनेगा, क्रिमिनोलॉजी मीन्स एंड इंक्लूड्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, बड़ी बात। मैंने कहा ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ की समझ नहीं आई। कहा क्रिमिनल लॉ जो है उसके पीछे पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, पॉलिटिकल विल होती है, इसलिए कहा जाता है अल्लाह देता बनाम सरकार हाजिर हो। सरकार इसलिए कहा जाता है कि स्टेट्स बैकअप करती है क्रिमिनल लॉ को, पॉलिटिकलिटी पहले ही उसने कहा करेक्टरिस्टिक। मैंने कहा दूसरी बात, उन्होंने कहा क्रिमिनल लॉ जो है वो सर्टन होता है, उसमें जो पनिशमेंट होती है वो सर्टन होती है, और क्रिमिनल लॉ जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक कंडक्ट और बिहेवियर से ताल्लुक रखता है, और जो क्रिमिनल लॉ होता है वो डेटरेंट होता है, लाइक माइंडेड पीपल को टेरिफाई करता है, हॉरिफाई करता है, फ्राइटन करता है कि ना भाई ऐसा काम ना करना दोबारा, सोचना भी मत, इतनी हैवी पेनालिटीज हैं इसकी। लाइक माइंडेड पीपल को एक लेसन देता है, लेसन टीच करता है, तुम्हारे ऊपर भी यही
हैवी पेनल्टीज और फाइन हो सकते हैं। तो जनाब साथ में पनिशमेंट भी होती है, ये उसने कैरेक्टरिस्टिक्स का। नंबर वन उसने कहा कि क्रिमिनोलॉजी मींस एंड इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। और क्रिमिनल लॉ क्या होता है? जो क्राइम को डिफाइन करे, उसकी सजाओं के बारे में भी बताए, वो जनाब क्रिमिनल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? कंपेंडियम ऑफ कंपेंडियम, समझते हैं, डेफिनेशंस ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट्स ऑफ क्राइम। तो नंबर वन पहली बात इसने की, मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ की स्टडी को क्रिमिनल। दूसरी बात भी की दूसरी बात इंपैक्ट ऑफ क्राइम, इफेक्ट ऑफ क्राइम ऑन विक्टिम एज वेल एज ऑन सोसाइटी। अब तीसरी बात भी की, नेचर ऑफ क्राइम, ये मेजर क्राइम है कि माइनर क्राइम, सीरियस क्राइम है तो लेस सीरियस हो, माइनर है, मेजर है, ग्रेव है, कौन सा क्राइम है? हीनेस क्राइम, ब्रूटल क्राइम है, ग्रूसम क्राइम है, शॉकिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी और मोरालिटी वाला क्राइम है, कौन सा क्राइम है भाई? नेचर ऑफ क्राइम इसे कहते हैं। बट काइंड ऑफ, बट सॉर्ट ऑफ क्राइम, बट काइंड ऑफ क्राइम, नेचर ऑफ क्राइम। कितनी बातें हो गई थी? तीन। फोर्थ बात, फोर्थ एक्सटेंट ऑफ क्राइम, भाई कितना ये एक्सक्लेरेट कर गया है किसी सिटी में, किसी प्रोविंस में, किसी कंट्री में, एक्सटेंट ऑफ क्राइम कितना इंक्रीज हो गया। एक्सटेंट क्या है? स्टैटिस्टिकल रिकॉर्डेड डेटा क्या है क्राइम का आपके पास, उसे हम एक्सटेंट कर। कितनी बातें? पांचवी बात लिखो, एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रिमिनल्स। भाई एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रिमिनल्स कैसे हैं? जेंडर वाइज कैसे हैं? फेस वाइज कैसे हैं? उनकी फिजियोगोनमी कैसी है? उनकी फिरनोलॉजी कैसी है? स्कल शेप कैसी है? फेस कैसा है? जहां से डिटरमिन किया जाए कि ये क्रिमिनल है। ये वही बात है जो लंबरोसा ने कही थी कि बंदा बॉर्न क्रिमिनल, अ मैन इज अ बॉर्न क्रिमिनल। लंबरोसा ने कहा था, जिसको साइंटिफिक और मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी का फाउंडिंग फादर कहा, साइंटिफिक मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी का फाउंडिंग फादर लंबरोसा को कहा। सीजेयर लंबरोसा साइकेट्रिस्ट था, फिजिशियन था, याद रखिएगा, साइकोलॉजिस्ट था। और लंबरोसो को हॉली थ्री ऑफ क्रिमिनोलॉजी का मेंबर भी कहा जाता है। हॉली थ्री, तीन मुकद्दस हस्तियां हैं क्रिमिनोलॉजी की, एक लंबरोसो है, एक एनरिको फेरी है और एक है राफेल ग्राफलो। तीनों नाम लिख देता हूं भाई, लंबरोसो नंबर वन, पहला हॉली थ्री ऑफ क्रिमिनोलॉजी का फर्स्ट मेंबर सीजेयर लंबरोसो। अब सेकंड वन कौन सा है? एनरिको फेरी। थर्ड कौन सा है? राफेल अब इनके कारनामे क्या हैं? लंबरोसो वो शख्स था जिसने पॉजिटिविज्म को इंट्रोड्यूस करवाया, डार्विन से बड़ा इंप्रेस था। ये वो था जिसने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, ये वो था जिसने क्रिमिनोलॉजी को फुल फ्लेज्ड साइंस में कन्वर्ट किया। लंबरोसो वो था जिसने साइंटिफिक मेथड से क्राइम के कॉजेज की स्टडी और क्राइम के कॉजेज को डिटरमिन करने के बारे में बताया, पॉजिटिविज्म के बारे में बताया। इसने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स की बात की, इसने कहा बॉर्न क्रिमिनल। इसने कहा ये जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपनी फेस और बॉडी की वजह से, अपने फेशियल फीचर्स और फिजिकैलिटी की वजह से, फिजिकल फीचर्स की वजह से
क्वाइट डिफरेंट होते हैं नॉन क्रिमिनल्स। ये लोम्ब्रोसो ने कहा था, और लोम्ब्रोसो ने एटाविज्म की थ्योरी पेश की थी। एटाविज्म थ्योरी यही है कि बॉडी जो है वो कॉजेस क्राइम, डिस्टिंक्टिव बॉडी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं क्रिमिनल्स को नॉन क्रिमिनल्स से, और बंदा बॉर्न क्रिमिनल होता है। 1876 में पहली किताब लिखी, द क्रिमिनल मैन किताब लिखी, ऑब्जेक्टिव टाइम में काम आएंगी आपको ये बातें, फिर याद आएंगी। 1876 में किताब लिखी द क्रिमिनल मैन, लोम्ब्रोसो याद रखिए। ये लोम्ब्रोसो वो था जिसने पैराडाइम शिफ्ट लेकर आया क्रिमिनोलॉजी में, जिसने क्रिमिनोलॉजी को एक अप्लाइड साइंस बनाया, जिसने क्रिमिनोलॉजी को एक एम्पिरिकल साइंस बनाया, जिसने क्रिमिनोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम और क्रिमिनल्स बनाया, और जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स दी। जिसने खवातीन के बारे में भी कहा कि वो भी क्रिमिनल्स होती हैं, लेकिन वो शॉपलिफ्टिंग और किडनैपिंग के ऑफेंसेस और पिक पॉकेटिंग के ऑफेंसेस करती हैं। ये वही था जिसने इनसेन क्रिमिनल्स भी कहा, बॉर्न क्रिमिनल्स भी कहा, और इवन ये वही था जिसने क्रिमिनोलॉइड्स कहा, प्रसिडो क्रिमिनल्स भी कहा। ये वही था जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स की बात की, और हैबिचुअल क्रिमिनल्स की बात भी की, रेसिडिविस्ट की बात भी की, और रेसिडिविज्म की बात भी। ये वही बॉर्न क्रिमिनल का आइडिया देने वाला जिसने थ्योरी पेश की एटाविज्म, एटोविस्टिक, स्टिग्माटा, कनाइन टीथ, बड़े बड़े, उन्होंने कहा कनाइन टीथ, बड़े बड़े जॉज, हाथ बड़े, नोज लंबी, हाथी जैसे कान। उसने कहा मॉन्स्टर, वन आइड मॉन्स्टर, ये है क्रिमिनल। असल में वो पीविया पेशारो में इनसेन हॉस्पिटल का जो इंस्टीट्यूशन था, वहां वो वलेला का अटॉप्सी कर रहा था, तो उसने डिस्कवर किया, उसने कहा आज तक इतनी बड़ी स्कल नहीं देखी, ये स्कल तो किसी अर्ली प्रिमिटिव बंदे की हो सकती है, ऐसे दांत नहीं देखे, ऐसी नाक नहीं देखी, ऐसे जॉज नहीं देखे। उसने कहा ये रिड्यूसिंग चेन भी बताती है कि ये मॉडर्न बंदा नहीं, ये पुराना ही बंदा आ गया है कहीं से, ये है क्रिमिनल। उसने कहा रिडंडेंट हो चुकी, रियलिटी थी या नहीं थी, खत्म हो चुकी है बातें, लेकिन क्रिमिनोलॉजी को एक पैराडाइम शिफ्ट दे गया, साइंटिफिक मेथड दे गया, पॉजिटिविज्म को इंट्रोड्यूस करवा गया, और क्रिमिनोलॉजी को फुल फ्लेज्ड साइंस में ट्रांसफॉर्म कर गया लोम्ब्रोसो, और क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा गया। ट्यूरिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था, क्रिमिनल्स के बारे में बताता था, और उसने अपनी जिस साइंस का नाम दिया, जिस मेथड का नाम दिया वो पॉजिटिविज्म, जिस साइंस का नाम दिया वो क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी था। क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी के फिजिकल फीचर्स, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी कॉजेस क्राइम, याद रखिए। फर्स्ट हॉली थ्योरी, मुकद्दस हस्ती, एहतराम वाली हस्ती, जुर्मियात की लोम्ब्रोसो था, एंड ही इज राइटली सेड टू बी कॉल्ड मॉडर्न फाउंडिंग फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, याद रखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, मैं नहीं बताता, मेरे स्टूडेंट आके मुझे बताते हैं कि ये पूछा गया। एनरिको फेरी, क्रिमिनल सोशियोलॉजी की बातें की, क्रिमिनल सोशियोलॉजी की किताब लिखी, क्रिमिनल सोशियोलॉजी के सोशल फैक्टर्स कैसे रिलेटेड हैं क्राइम के साथ, और क्राइम कैसे वहां से प्रोपेचुएट होता है, और कहा कि क्राइम इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल फैक्टर, क्राइम इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। ये वही बात है जो थॉमस बकल ने की थी, सोसाइटी प्रिपेयर्स क्राइम। थॉमस हेनरी बकल ने कहा था कि सोसाइटी प्रिपेयर्स क्राइम एंड क्रिमिनल्स कमिटेड।
सोसाइटी परफ्यूज कर। और ये बड़ी बात जो अलेक्जेंडर लकाशा जिन ने कही थी, उसने कहा कि क्रिमिनलिटी कांट डू एनीथिंग अनलेस अंटिल इट फाइंड्स अ प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर इट्स ग्रोथ। क्रिमिनलिटी यानी एबिलिटी टू कमिट क्राइम, जुर्म करने की जो काबिलियत अहलियत है कैपेसिटी है, कांट डू एनीथिंग अनलेस और अंटिल इट फाइंड्स अ प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर इट्स ग्रोथ। याद रखिए, ये वही बात है जो ट्रेविस हिर्ची साहब ने की, जिसने सोशल बॉन्ड्स थ्योरी अगर आप पास पेपर देखे तो उसने पेश की, उसने कहा जी कि वी आर ऑल एनिमल्स एंड द कैपेसिटी टू कमिट क्राइम इज अ पार्ट ऑफ आवर नेचर। सर नेम बताइएगा दोबारा क्या बताना है? ट्रेविस हिर्शी सोशल बॉन्ड्स थ्योरी पेश की, जनरल कंट्रोल थ्योरी पेश की, कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के ऊपर 1969 में किताब लिखी। ट्रेविस हिर्शी वो शख्सियत है, ट्रेविस हिर्शी को कहा जाता है कि इसने सोशल बॉन्ड्स थ्योरी, प्यार के बंधनों वाली चार बंधन, इसने कहा कि चार बंधन हैं जो इंसान को, जब इंसान उन बंधनों में जुड़ा रहे तो वो फिर क्राइम नहीं करता, जो ही डिसअटैच हुआ उन बंधनों से वो जुर्म की तरफ, ही इज मोर लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन क्रिमिनलिटी, ही बिकम्स प्रोन टू क्राइम व्हेन ही इज डिसअटैच्ड फ्रॉम द सोशल बॉन्ड्स। और उसने कहा ये लव बॉन्ड्स होते हैं जो पेरेंट्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ होते हैं, और जब डिसअटैच बंदा हो जाए तो बंदा जो है वो क्रिमिनल बन जाता है। ये सोशल बॉन्ड वाली थ्योरी उसने 2019 के एग्जाम में भी उसने पूछा हुआ कि ट्रेविस हिर्शी के पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन कीजिए। इसको ट्रेविस हिर्शी ने कहा कि वी आर ऑल एनिमल्स इन द कैपेसिटी टू कमिट क्राइम एज अ पार्ट ऑफ आवर नेचर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और ये राफेल ग्राफलो ने तो कमाल ही कर दिया भाई, ये वही शख्स था जिसकी तलाश में आप हैं, जिसने क्रिमिनोलॉजी को कॉइन किया, 1885 में कॉइन किया, ये वही शख्स था 1885 में क्रिमिनोलॉजी को कॉइन किया। देखिए गुजारिश ये है कि ये जो राफेल ग्राफलो था, उनकी मुलाकात हुई हुई है, उसने कहा मैं प्रोसिक्यूटर रहा हूँ जनाब, जज रहा हूँ, लॉयर रहा हूँ, प्रोफेसर ऑफ लॉ रहा हूँ, आज मैं अपनी जुबान, ये माय डियर इटालियन था, तो मैंने कहा इटालियन में तुमने क्रिमिनोलॉजी कैसे कहा? मैंने ऐसे कहा क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी कब कॉइन की? 1885। कौन था? लॉयर था, जज था, प्रोसिक्यूटर था, और जनाब प्रोफेसर ऑफ लॉ था, कानून दान था। उसने पहली दफा 1885 में क्रिमिनोलॉजी को कॉइन किया। मैंने पूछा व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी, कहता है क्रिमिनोलॉजी आई मीन टू स्टडी क्राइम एंड क्रिमिनलिटी विद ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। राफेल ग्राफलो जी, वो ये वही राफेल ग्राफलो है जो मुझे याद पड़ता है जिसने नेचुरल क्राइम्स वाली थ्योरी पेश की, लोगों में दो जो सेंटिमेंट्स होते हैं, पिटी और प्रोबिटी होती है, जब ये हर्ट होते हैं तो बंदे क्राइम करते हैं, पिटी एंड प्रोबिटी, नेचुरल क्राइम्स थ्योरी इसने पेश की। और इसने कहा कि इंसान के पास जब altruistic feelings की कमी वाक्य हो जाती है, तब वो altruistic feelings, जब उसमें milk of human kindness खत्म हो जाता है, जब ये sentiments, जब उसमें moral और psychological defects आ जाते हैं, तो वो crime की तरफ प्रोन होता है। Lacking of altruistic feelings, moral and psychological disorders lead towards criminality.
याद रखिए ये नेचुरल क्राइम्स की थ्योरी इसने पेश की, और नेचुरल क्राइम्स ने कहा था ये गॉड के खिलाफ है, ये इंसान के सेंटिमेंट्स के खिलाफ है, ये इंसान की मोरालिटी के खिलाफ है। उसने कहा था ये इंसान के फीलिंग्स को ऑफेंड करते हैं, सेंटिमेंट्स को ऑफेंड करते हैं, और ये दो नाम है, एक पिटी है और एक प्रोबिटी है। प्रोबिटी लोगों की दौलत छीनना, पिटी लोगों पर रहम खाना, जब इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो बंदा क्राइम प्रोन बन जाता है। ये राफेल क्रॉस। अच्छा जी, हम डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। प्रोबिटी, पी आर ओ बी आई टी, कितने नंबर पे थे हम? कैथरीन एस विलियम की तरफ आते हैं, वो नाराज हो रही होगी। जी जी बेटा, आवाज आप बताइए, सुनाए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर, आपने बोला कि क्राइम जो है वो इनएविटेबल होता है, हम कभी भी उसको खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, तो सर ऐसा क्यों होता है? क्या परफेक्ट सोसाइटीज क्यों नहीं एस्टेब्लिश हो सकती, बल्कि एक परफेक्ट इंसान ही क्यों नहीं एस्टेब्लिश हो सकता? बिल्कुल आपने अच्छा कहा बेटा, पूरी डिसोबीडियंस किसने की थी? ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, जरा मिल्टन को पढ़िएगा पैराडाइज लॉस्ट। प्लीज आप खामोशी को मेंटेन कीजिएगा, आप अडल्ट बालिक लोग हैं, बच्चों जैसी हरकत ना कीजिए। बेटा आप जॉन मिल्टन को पढ़ें, पैराडाइज लॉस्ट, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस। ठीक है, आप पहली नाफरमानी की गई, ईव ने इंड्यूस किया एडम को, हाँ जी, और पहला जुर्म हुआ, सजा बेटों को दी गई पहला, और स्टार्ट हुआ कि इसकी इनेट में, इसकी इंस्टिंक्ट में मैंने जुर्म रख दिया, मैंने फाइटिंग एनिमल रख दिया। जब केन ने एबल का मर्डर कर दिया आउट ऑफ ट्रेमेंडस ग्रीड, लालच किसी वजह से भी था, मैंने कहा तीन बातें मैंने की है, जान जान एंड जमीन। तो जनाब इब्तदाए आफरीनिश से क्राइम है, आज से नहीं है। कोड ऑफ हैमोरेबी पढ़ के देख लीजिए, कैरोलाइन कोड पढ़ के देख लीजिए, जस्टिनियन कोड पढ़ के देख लीजिए, ग्रीक कोड, रोमन कोड, नेपोलियन कोड पढ़ के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्राइम कोई आज से नहीं है। जब से इंसान ने मुआशरा कायम किया तो क्राइम था, क्रिमिनल रॉन्ग्स थे, ऐसे नहीं कोड ऑफ हैमोरेबी। जनाब पहला दुनिया का रिटर्न फॉर्म में पिनल कोड आया कि दाओ शैल नॉट किल इट मैन, तुम बंदे का कत्ल नहीं करो, दाओ शैल नॉट स्टील इट काओ, तुम किसी की गाय नहीं चुराओ। एनग्रेव्ड करके स्टोन्स पर उसने, उस बादशाह ने, सिक्स्थ किंग ऑफ बेबीलोनिया ट्राइब का बादशाह था, जनाब उसने कोड ऑफ हैमोरेबी इशू किया, पहला दुनिया का रिटर्न कोड था, याद रखना, और ये ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा गया लास्ट टाइम। इसका टाइम पीरियड 1750 BC, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बेटा अ मैन इज सेड टू बी बाय नेचर अ फाइटिंग एनिमल, पोजेसिव है, वायलेंट है। सारे रोमन फिलोसफर्स ने कहा, सोक्रेटिस ने कहा, एरिस्टोटल ने कहा, सिसरो ने कहा, हाँ जी प्लेटो ने कहा, बंदा वायलेंट है, पोजेसिव है, फाइटिंग एनिमल है। स्विक स्विक कोई नहीं, वो तो पॉलिटिकल साइंस वाले कहते हैं ना, सोशल एनिमल कहते हैं, सोशियोलॉजी वाले तो क्रिमिनोलॉजी वाले कहते हैं बंदा फाइटिंग एनिमल है, फाइटिंग एनिमल है तो क्राइम है। इसलिए बेटा क्राइम इज इनएविटेबल इन एवरी सोसाइटी, और डिफर करता है जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स डिफर करते हैं, याद रखो। और दुनिया के तमाम मुआशरे इसका एक्सपीरियंस कर चुके क्राइम का, याद रखिए। और हर कंट्री में फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स क्राइम। जी पूछिए, और कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, डिफर, आपने कहा ना डिफर करता है, तो सर ये डिफर बाय नेचर करता है मींस? जी ये नेचर के लिहाज से करता है, मैंने अर्ज किया कि कभी कहता है वायलेंट क्राइम, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, crime against women, crime against children, crime against state, crime against religion, international crimes, haan ji, global money laundering crimes, janab, economic crimes jo hain, super crimes jo hain, victimless crime, institutional crimes, white collar crime, janab. Yes sir.
जो इंस्टीट्यूशंस सर आपने नॉर्म्स और वैल्यूज की भी बात की सर, ये जो टर्म्स है ना ये बहुत ज्यादा सिमिलर दिखती हैं नॉर्म्स और मॉरल वैल्यूज, तो इसमें भी एथिक्स और ये जो चीजें जी जी उमेश जी कहना क्या चाहती हैं, दोनों में डिफरेंशिएट करूं? यस सर, अभी ये सीधी बात बेटा, जो नॉर्म्स होते हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स होते हैं। नॉर्म्स जो होते हैं बेटा वो फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। नॉर्म्स जो होते हैं वो प्रोस्क्रिप्टिव भी होते हैं, प्रेस्क्रिप्टिव भी होते हैं। प्रोस्क्रिप्टिव मना करते हैं कि ये ना करना, प्रेस्क्रिप्टिव इजाजत देते हैं ये कर। ये नॉर्म्स है मुआशरे के अंदर। जो वैल्यूज होते हैं ना वो चेरिश्ड थिंग्स होती है, मोस्ट चेरिश्ड थिंग्स इन द सोसाइटी, जो हम चाहते हैं कि ये हो, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, चेरिश्ड थिंग्स हैं, उनको हमने डिफाइन किया, याद रखिएगा। मजीद आप इमाइल रुखाइन को पढ़ें, टालकट पार्सन्स को पढ़ें, मुझे तो ना ही पढ़े तो अच्छा है। आगे चलते हैं, इजाजत है आगे सर, नमाज ब्रेक होगी है? क्या कहा है जी? नमाज ब्रेक कर ले आप, ब्रेक करें। वो कहाँ पहुंचे थे भाई, नंबर कौन सा था? फाइल था। हाँ चले आगे, उसने कहा जी मोटिव्स ऑफ क्राइम, और क्राइम के मुहर्रकात क्या हैं, रीजंस बिहाइंड द क्राइम क्या है, वजह अनाद क्या है, क्यों जुर्म किया है, ए ने बी का मर्डर कर दिया, भाई ए ने बी का मर्डर कर दिया तो क्या मोटिव था। आगे लिखा होता है वजह अनाद ये थी कि मुतद्दद एफआईआर पढ़ने का, केसेस कंडक्ट करने का मोटिव क्या होता है, क्लू टुवर्ड्स द क्रिमिनलिटी। मोटिव क्या होता है, स्प्रिंग ऑफ इंटेंशन होता है। मोटिव क्या होता है, रीजन बिहाइंड द कमीशन ऑफ क्राइम होता है। मोटिव क्या होता है, इट इज विद इन अ मैन व्हिच इंपेल्स एंड कंपेल्स समवन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम, इंपेल करता है, कंपेल करता है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम। मैंने कहा कैसे, कहते जी एक 20 साल का नौजवान ने बड़ी अदालत में एक बंदे का मर्डर कर दिया, सच्चा वाक्य सही लाहौर में। पूछा जज साहब ने क्यों ऐसा किया, कहा जी मैं 6 साल का था, इस बंदे ने मेरे सामने मेरे बाप का मर्डर किया था। मोटिव ओल्ड भी होता है, पुराना भी होता है, फ्रेश भी होता है। मैंने कहा ये क्राइम अगेंस्ट जो पर्सन है वायलेंट क्राइम में क्या मोटिव है, उन्होंने कहा जी अपने ईगो को सेटिस्फाई। मैंने कहा ये जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है वो, उन्होंने कहा जी अपनी लस्ट को सेटिस्फाई कर, वेरी करता है उसमें। मैंने कहा जी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रॉबर्स डकाइट्स एक्सटॉर्शनिस्ट किडनैपर्स, ये व्हाट, तो उसने कहा जी ग्रीड है, ग्रीड को सेटिस्फाई करना। मनी इज द रूट ऑफ ईविल, मनी इज द फ्रूट ऑफ ईविल, है जी, एवरीवन वांट्स मनी। बुले शाह ने कहा था बुलिया बिन पापो जुड़ दिया नहीं भाव ढेर वांट माई, देखा जी कि बगैर आप गुनाह किए कोई जुर्म किए रातों रात अमीर नहीं हो सकते, हलाल की कमाई से आप V8 और ऑडी और फॉर्चूनर वो नहीं आप परचेज कर सकते। रीजन हलाल की कमाई में इस तरह नहीं जाती जिस तरह हराम की कमाई से आप अर्न कर सकते। और उन्होंने कहा जी कि बुलिया बिन पापो जुड़ दिया नहीं ढेरों कमाइया। देयर इज अ क्राइम बिहाइंड एवरी ग्रेटफुल, गॉडफादर नॉवल में लिखता है, इसी की ट्रांसलेशन, देयर इज अ क्राइम बिहाइंड एवरी ग्रेटफुल, याद रखिए। नंबर कौन सा था भाई? सिक्स। लिखे मॉडस ऑपरेंडी ऑफ क्राइम, मॉडस मॉडस बेटा मॉडस, ऑपरेंडी ऑफ
कौन सा वेपन इस्तेमाल किया था? पिस्टल, राइफल, 3.93 भाई कौन सा वेपन? नाइफ, खंजर, तलवार, कसी, कौन सा वेपन इस्तेमाल किया था? मॉडस ऑपरेंडी, द वे क्राइम वाज, हाउ द क्राइम वाज कमिटेड, हाउ क्राइम वाज कमिटेड, मॉडस ऑपरेंडी. नेक्स्ट कौन सा नंबर है याद करो. हैं जी characteristics and working, characteristics and working of criminal justice system, characteristics and working of criminal justice system. Maybe last year duniya ki behtareen definition of situation. Ah, door pe aaye devne aur log dekhe. Dekhiye my dear students, क्रिमिनोलॉजी क्राइम की स्टडी, क्रिमिनल्स की स्टडी, क्राइम को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, फ्यूचर क्राइम्स को प्रिवेंट करने की क्या स्ट्रेटजीज हैं, न्यू इमर्जिंग क्राइम्स को प्रिवेंट करने की क्या स्ट्रेटजीज हैं, इसके बारे में कौन सा डिसिप्लिन बताता है? वो क्रिमिनोलॉजी. कोई लॉ का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, सिंपली सोशियोलॉजी के साथ इसका ताल्लुक, इमरानी आपके साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ इसका ताल्लुक, हिस्ट्री के साथ इसका ताल्लुक, थोड़ा सा माइक, एंथ्रोपोलॉजी के साथ इसका ताल्लुक है, साइकोलॉजी के साथ इसका ताल्लुक है, स्विक्स के साथ इसका ताल्लुक है जनाब, पब्लिक एड के साथ इसका ताल्लुक है, इकोनॉमिक्स के साथ इसका ताल्लुक है, बॉन्गर्स की इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो क्राइम को परपेचुएट करती है, एक सोशल साइंस है. और इसको देखें, दुनिया के सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इज बेस्ट सीन एज अ सोशल साइंस, मेजर सोशल साइंस, करेक्टली अंडरस्टूड एंड बेस्ट प्रैक्टिस्ड एज अ सोशल साइंस. क्रिमिनोलॉजी इज करेक्टली अंडरस्टूड एंड बेस्ट प्रैक्टिस्ड एज अ सोशल साइंस. याद रखिए, क्यों इसको क्रिमिनोलॉजी को कॉर्पस of social sciences. Excuse me, sir. Corpus of social sciences. Body of social sciences. Excuse me, sir. Social sciences की body. जी. Sir, थोड़ा सा जो कैमरा जो है राइट साइड में मूव कर दे, सही नजर नहीं आ रहा. जी अब क्लियर है बेटा? देखिए मैं तो लिख रहा हूँ, नजर आ रहा है? जी सर क्लियर. बॉडी ऑफ सोशल साइंस जिसमें सोशियोलॉजी भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, फिलोसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, साइकेट्री भी है, स्पिक्स भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मेडिसिन भी, उन्होंने कहा सोशल साइंसेस की है. और फिर उन्होंने साथ ही कहा, उन्होंने कहा ठीक है सोशल साइंसेस, लेकिन जनाब ये बिहेवियरल साइंसेस की स्थिति है. बिहेवियरल साइंसेस प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए. क्रिमिनल साइंस क्या होती है? क्रिमिनल बिहेवियर एवरी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, हर किस्म का मेंटल डिसऑर्डर, उसकी स्टडी जो लीड्स टुवर्ड्स क्राइम, क्रिमिनलिटी की तरफ लेके जाता है, तो जनाब उसकी स्टडी उन्होंने कहा जी बिहेवियर की स्टडी, क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी. कॉग्निटिव थ्योरीज जो होती हैं, डेवलपमेंटल थ्योरीज जो हैं, वो क्या बताती हैं?
कहते हैं जनाब ये इनकी डेवलपमेंट, इसकी सोशलाइजेशन ठीक नहीं, इनएडिक्वेट सोशलाइजेशन वो बिहेवियर को अफेक्ट करती है, क्रिमिनल बिहेवियर उसकी स्टडी। तो जनाब ये बिहेवियरल साइंस हुई, जब ये मेंटल डिसऑर्डर्स की स्टडी करती है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, कंपल्सिव डिसऑर्डर्स की स्टडी, बायोपोलर डिसऑर्डर, पैरानॉइड पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर, तो जनाब नेक्रोफिलिया का डिसऑर्डर इसकी स्टडी करती है, तो जनाब ये तो बिहेवियरल साइंस होने पर राइटली आपने दुरुस्त कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि छोड़े इस बात को, क्रिमिनोलॉजी तो सिर्फ तीन बातों की स्टडी है। मैंने कही है किसी ने कहा, उन्होंने कहा जी दुनिया की बेहतरीन किताब प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी 1934 में लिखी गई, किसने लिखी, उन्होंने कहा जी स्विट्जरलैंड एंड डोनाल्ड प्रेस, भाई किन्होंने लिखी, मैं नाम लिख देता, स्विट्जरलैंड एंड डोनाल्ड प्रेस, कब लिखी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप साथ में मैं एमसीक्यूज पे जोर दे रहा हूं, 1934 में प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पेज 5 आपके सामने जरा रिप्रोड्यूस कर रहा हूं, सुनिए क्या कहा उन्होंने। भाई देखें पेज 5 पे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी रिटन बाय स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड वो शख्सियत है जिसने 1939 में सोशल डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी पेश की, आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इफ यू लुक अप द पास्ट पेपर्स तो आप अंदाजा होगा कि बहुत सी बातें जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं वो कीपिंग इन विद द पास्ट पेपर्स ही हैं। सोशल डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, हाँ सोशल डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी बेटा, इसको लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये क्या कहती है ये थ्योरी, क्राइम इज अ लर्न्ड बिहेवियर, क्राइम तो सीखा जाता है, कहते हैं क्राइम इज लर्न्ड, मैंने को कैसे सीखा जाता है, कहते हैं जी जैसे आप कोई हुनर सीखते हैं, कोई स्किल इंपार्ट करते हैं, कोई एजुकेशन इंपार्ट करते हैं, कल्चरल नॉर्म्स इंपार्ट करते हैं, इसी तरह क्राइम भी इंपार्ट होता है, सीखा जाता है, इसके मोटिव, इसकी मॉडस ऑपरेंडी, इसके एलिमेंट्स सीखे जाते हैं, इसके एटीट्यूड सीखे जाते हैं, हमारे जी आपने जेबी वॉटसन को नहीं पढ़ा, जॉन बी वॉटसन बिहेवियरिज्म का फाउंडिंग फादर, मैंने कहा क्या कहा उसने, जी एवरी चाइल्ड्स माइंड इज लाइक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, व्हाटएवर ही लर्न्स गेट्स प्रिंटेड ऑन हिज माइंड। हर बच्चे का जहन कोरे कागज की तरह, तो जो कुछ सिखाया जाए वो तो नक्श हो जाता है, एवरी चाइल्ड्स माइंड इज लाइक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, व्हाटएवर ही लर्न्स गेट्स प्रिंटेड ऑन हिज माइंड। मैंने कहा मैं नहीं मानता, तो आपके मानने से नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। कहा कि एक बच्चा देखा, वो शुतुरमुर्गों के साथ ही खेलता, उन्हीं के साथ दौड़े लगाता, उन्हीं के साथ कम्युनिकेशन करता, बट ही कुडंट स्पीक लाइक ह्यूमन बीइंग, कुडंट बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग, he could communicate, could behave, could eat like ostriches. How it is possible? उन्होंने कहा जी since his birth उन्हीं के साथ है, ये अपने आप को शुतुरमुर्ग भी समझता है, ये इंसानों की तरह वॉक नहीं कर सकता, उन्हीं की तरह खड़ा नहीं हो सकता, ना ही उन्हीं की तरह बिहेव कर सकता है, ना ही उन्हीं की तरह खा पी सकता है, बड़ी बात। कहा गिव मी 10 children, 10 children, मैं उनको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, जजेस, रॉबर्स, डकाइट्स, थीव्स, थग्स बनाऊंगा। इंसानी, इंसान का क्या है, जिस माहौल में रखेंगे, एनवायरनमेंट बड़ा इंपैक्ट करता है, जिस आप इन माहौल में रखें इंसान वही बन जाता है। इंसान का जो माहौल है वो बड़ा रोल प्ले करता है इंसान को क्राइम सिखाने में, बैड कंपनी बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए उसने कहा कि इंडिविजुअल प्लस एनवायरनमेंट इज इक्वल टू क्राइम, ये इक्वेशन उसने इक्वेशन हमें दी। उसने कहा क्राइम सीखा जाता है, देखिए इस बच्चे ने बिहेवियर सीख लिया, अच्छा जी
उन्होंने कहा जी आमला कामला की स्टडी आपने नहीं सुनी, गिनी गर्ल की आपने कहानी नहीं सुनी, इजाबेला की कहानी नहीं सुनी, आमला कामला की स्टडी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरल स्टडी है, बताती है कि क्रिमिनोलॉजी बिहेवियरल है और दो इलेजिटिमेट बच्चियां इलिसिट रिलेशनशिप का आउटकम थी, इंडियन मुआशरे बंगाली बच्चियां थी उनको बाहर फेंक दिया गया। रॉटन एग्स की तरह कौन पसंद करता है ऐसी बच्चियों को, बच्चों उन्होंने समझा कि अब ये मादा बुल उठा के ले जा रही है, इसका लंच लुंच डिनर बन गया होंगे ये दोनों बच्चियों। इज़ द पैसेज ऑफ टाइम शिकारियों ने हंटर्स ने देखा कि दो लड़कियां हैं इंसानी रूप में लेकिन हरकत सारी की सारी भेड़ियों जैसी, वुल्व्स की तरह दौड़ाती हैं, शिकार पे टूटती हैं, जंप लगाती हैं, क्रॉल करती हैं, खड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने भी देखा ही वुल्व्स को था, इंसानों को देखा नहीं कि वो कैसे चलते हैं, कैसे वॉक करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। उनको पकड़ा गया, अरेस्ट करके लाया गया। एक तो चंद दिनों में ही एक्सपायर हो गई और दूसरी कुछ मंथ जिंदा रही लेकिन वो इंसानी मुआशरे में एडजस्ट ना कर सकी। वो इंसानों को देखकर इसी तरह ही खौफजदा होती थी जिस तरह हम भेड़ियों को देखकर खौफजदा हो जाए जंगली जानवर। बिहेवियर बंद करी वो नो ह्यूमन बिहेवियर। एक चोर पकड़ा गया जी, आपको मैं जरा एग्जाम्पलीफाई कर दू क्राइम कैसे सीखा जाता है। क्राइम इज लर्नड बिहेवियर। We learn crime like the techniques through social interaction, communication, association, having a bad company. National Museum, New York, में चोर पकड़ा। उससे पूछा गया, How did you do this? उसने कहा, I swear मैंने कुछ नहीं किया। ओ भाई मैं professionally thief नहीं हूँ। उन्होंने कहा, जी आप चोरी कर रहे हैं? अरे यार मैंने एक मूवी देखी हाउ टू स्टील मिलियन, तो जनाब मैंने बार बार मूवी देखी, एक दिन मैं इतना उकता गया मूवी देख देख कर, मैंने कहा प्रैक्टिकली कर डालता हूँ। उस तरह की फोर्टिफाइड शॉप मिल गई तो मैंने एक्ट किया, सिर्फ मैंने अपने आप को टेस्ट किया कि कितना मैंने सीखा है स्टीलिंग करना, चोरी करना, तो मैंने कहा डाल भाई ये मेरा पार्ट है, आई लर्न हाउ टू Stay. Crime is a learned behavior. We learn crime like other techniques through social interaction, communication, association, having a bad company, bad environment with others. Now, Sutherland ko Dean of American Criminology ka raha hai. Yaad rakhna, objective type puchi gayi hai. Who is said to be the डीन ऑफ अमेरिकन क्रिमिनोलॉजी? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को डीन ऑफ अमेरिकन क्रिमिनोलॉजी कहा जाता है। हजूरे वाला ये वही शख्सियत है, क्रेडिट गोज टू हिम बाय इंट्रोड्यूसिंग व्हाइट कॉलर क्राइम एंड क्रिमिनल्स, व्हाइट कॉलर क्राइम एंड क्रिमिनल्स। वकील 20 लाख फीस लेने के बाद कत्ल के केस में पेश ना हो तो क्राइम कौन सा कर रहा है? व्हाइट कॉलर। डॉक्टर के पास आप जाएं, डॉक्टर साहब पेन फील कर रहा हूं, वो आपको इंजेक्शन लगाए, आधे घंटे के बाद कहे आपकी पेन ठीक हो जाए, ठीक हो गई है, कुछ दिनों बाद आप कहें कि इनकी निशान कैसा है, बाद में पता चले कि आपकी तो जनाब एक किडनी गायब हो गई, किडनी स्टोलन केस, डॉक्टर्स प्रोफेशनल केस, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस केस पाकिस्तान में हुआ है जी, किडनी स्टोलन केस, उमाया शंट केस, मेहरान बैंक स्कैंडल केस। वो कौन सा इदारा था जनाब हजूरे वाला जो जाली डिग्रियां तकसीम किया करता था? कॉर्पोरेट व्हाइट कॉलर क्राइम, प्रोफेशनल व्हाइट कॉलर क्राइम। अंदाजा लगाइए 1,10,000 फीस लेने के बाद या 20,000 फीस लेने के बाद भी 4 माह में आपको सीएसएस की तैयारी ना करवा सकी कोई अकेडमी, तो वो कौन सा क्राइम कर रही है अपने आप? वो कॉर्पोरेट व्हाइट कॉलर क्राइम कर रही है, याद रखिए। वो जुल्म कर रही है, बच्चों के कौम के बच्चों के साथ खेल रही है, और वो 4 माह का वादा करने के बाद 3 माह में ही आपको कहे कि बस कोर्स हो गया, जाओ अब निकलो अकेडमी से, नहीं आने दो,
वो क्राइम कर रही है। कौन सा? कॉर्पोरेट मनी। ऐसी कंपनीज जो गुटका, हैजार्डस गुटका बच्चे खाते और वो उनको कैंसर हो जाए गले का, ये लोगों को कौन सा क्राइम कर रहा है? कॉर्पोरेट वाइज क्राइम। याद रखिए, किसके एम्बिट में फाल हो ये सब कुछ, किसके एम्बिट में? याद रखिए, इसकी स्टडी का नाम क्रिमिनोलॉजी है। और क्राइम क्या है? एवरीबॉडीज टेम्पटेशन। क्राइम क्या है? एवरीबॉडीज टेम्पटेशन। और इसलिए मोस्ट फैसिनेटिंग फील्ड ऑफ स्टडी क्राइम क्रिमिनोलॉजी, मोस्ट फैसिनेटिंग वर्सटाइल फील्ड, वंडरफुली रिच सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी, मोस्ट डायनामिक फील्ड है क्रिमिनोलॉजी। याद रखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग सब्जेक्ट अक्रॉस द ग्लोब है, वो सब्जेक्ट विच हैज बूम द ग्लोब, वो सब्जेक्ट जिसने क्राइम रेट को हाईलाइट किया, क्राइम ट्रेंड्स को हाईलाइट किया, क्राइम टेंडेंसी, क्रिमिनल्स की टेंडेंसीज को हाईलाइट किया, और याद रखिए जिसने क्राइम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हमें दी, मॉडर्न स्ट्रेटजीज दी, जिसने हमें जियो फॉरेंसिक दिया, जियो फेंसिंग दी, सीसीटीवी कैमराज की फुटेज के जरिए आज हम डिटेक्ट करते हैं क्राइम को, वो कौन सी साइंस है? वो क्रिमिनोलॉजी है, क्राइम की साइंस है, क्योंकि वो क्राइम की डिटेक्शन की साइंस है, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की साइंस है। और ब्रांच कौन सी है? फॉरेंसिक साइंस इसकी ब्रांच है। फॉरेंसिक साइंस याद रखिए क्रिमिनोलॉजी की ब्रांच है, क्योंकि फॉरेंसिक मेडिसिन भी इसी की ब्रांच है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी इसी की ब्रांच है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी इसी की ब्रांच है, क्राइम कॉजेशन इसी का एलिमेंट है, मोटिव इसी का एलिमेंट है। याद, और क्रिमिनोलॉजी क्राइम को एज ए सोशल प्रॉब्लम मैंने अर्ज किया टेक अप। जनाब ये बिहेवियरल साइंस है। स्विट्जरलैंड ने व्हाइट कॉलर क्राइम और क्रिमिनल्स का को इंट्रोड्यूस करवाया, ये वो स्विट्जरलैंड था। अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में क्रिमिनोलॉजी के बारे में कुछ अल्फाज लिखता है और कवाल लिखता है। मैंने कहा स्विट्जरलैंड साहब आज मुलाकात तो हो ही गई थी, ये बताएं क्रिमिनोलॉजी क्या है? कहते जी बात ही कोई नहीं, अल्फाज सुनिए। कहा बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना, बॉडी ऑफ नॉलेज। अब देखें मिस्ट्री टू कारी लोग होते हैं ना, कारी लोग समझते हैं, उनकी तिलावत की जो स्पीड होती है, अब हजारों क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, इतने बैजेस निकाल चुका हूँ, अब स्पीड लोग जानते हैं कि जो हमारी स्पीड पकड़ लेता है उसका CSS हो जाता है, याद रखना। आज आप कैच करें, इम्तिहान में जाकर कैच करेंगे, आज आपको हम बुरे लग रहे होंगे लेकिन इम्तिहान में जाकर फिर आप खुश होंगे कि हाँ कुछ किया, कुछ बताया था। क्रिमिनोलॉजी क्या है? Body of knowledge regarding crime as a social phenomenon, as a social phenomenon. इसलिए social science कहा गया, इसलिए social science कहा गया कि crime को as a social phenomenon take up करती है, product of society ये crime। इसलिए विक्रांत ने कहा, Thomas Buckle ने कहा कि crime क्या है, किसकी product है? society की है। तो जनाब क्या कहा? Criminology is a body of regarding crime as a social phenomenon। आगे अभी खत्म नहीं हुआ, अल्फाज खुद देख लीजिएगा, मैं अल्फाज बोल रहा हूं। इट इंक्लूड्स विद इट्स स्कोप द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग स्कोप के बारे में बता रहा है। क्रिमिनोलॉजी का स्कोप डिटरमिन कर दिया स्विट्जरलैंड ने, कि क्रिमिनोलॉजी का किसी भी मुल्क में, किसी भी दुनिया के कंट्री में क्रिमिनोलॉजी का स्कोप कैसा होगा? द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन एनी कंट्री, लॉ मेकिंग कानून कैसे बनाया, हाउ लॉज आर एनएक्टेड, हाउ लॉज आर मेड, व्हाई लॉज आर मेड, लॉ मेकिंग प्रोसेस। नंबर टू, द प्रोसेस ऑफ लॉ ब्रेकिंग, वायलेशन ऑफ लॉ, लॉ ब्रेकिंग। नंबर थ्री, रिएक्टिंग टुवर्ड्स लॉ ब्रेकिंग,
रिएक्शन क्या है? आपने कानून बनाए, लोगों ने कानून तोड़े, और जब कानून तोड़े तो वो क्रिमिनल हो गए, वायलेटर्स हो गए, तो उनका रिएक्शन क्या आया? पनिशमेंट साइन, रिएक्टिंग टू वर्ड्स, रिएक्टिंग टू लॉ ब्रेकिंग। तीन बातें की। अभी खत्म नहीं। तो देखा, the main objective of criminology is to develop the verified and general principles of criminology dealing with law, crime and treatment of criminals। अब उसने पूरा पेज जो है वो कंप्लीट किया। तीन बातें की उसने। क्रिमिनोलॉजी का किसी भी मुल्क में जो स्कोप है वो क्या है? लॉ मेकिंग इन एनी कंट्री, द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन एनी कंट्री। नंबर टू, द प्रोसेस ऑफ लॉ ब्रेकिंग, लॉ ब्रेकिंग, वायलेशन ऑफ लॉ। और थर्ड है जी रिएक्शन, कोर्ट सिस्टम, सेंटेंसिंग सिस्टम, प्यूनिटिव ट्रीटमेंट, पनिशमेंट सिस्टम, रिएक्शन टूवर्ड्स लॉ ब्रेकिंग इन एनी कंट्री। तीन बातें की। क्रिमिनोलॉजी क्या है? लॉ मेकिंग है, लॉ ब्रेकिंग है, एंड रिएक्टिंग टुवर्ड्स लॉ ब्रेकिंग। कुछ अंदाजा हुआ क्रिमिनोलॉजी क्या है? क्रिमिनोलॉजी क्या है? क्रिमिनोलॉजी देखें माय डियर स्टूडेंट्स, क्रिमिनोलॉजी क्राइम की स्टडी है, क्रिमिनल बिहेवियर्स की स्टडी है। एक होती है क्रिमिनलाइजेशन, किसी बिहेवियर को, इंसान के बिहेवियर को डिक्लेयर करना कि ये क्राइम है। Kite flying was no more crime in the past, right? Kite flying crime नहीं था, याद रखिए, ना ही हमारे साथ वाले कंट्री में क्राइम है, क्योंकि क्राइम appears in different colors, in different types, at different times and places, in different countries. Our crime which is crime today may not be crime tomorrow. The crime which is crime in this country, crime may not be crime साथ वाले नेबरहुड में, जुर्म नहीं है काइट फ्लाइंग का। यहाँ it has been criminalized, declare कर दिया गई offense है, साथ ही punishment दे दी। जब तक कानून किसी आपके बिहेवियर को prohibited करार ना दे और साथ ही punishment ना दे, वो crime नहीं होता। काइट फ्लाइंग was no more crime in the past, but now it has been criminalized. क्यों? हाँ, उन्होंने लिखा कि whosoever flies a kite shall be punished, shall के अल्फाज है कि जरूर सजा दी जाएगी, मैंडेटरी है, अप टू इम्प्रिजनमेंट अप टू इतने इयर्स और साथ में फाइन। नाउ इट हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड, याद रखिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से ताल्लुक रखती है, क्राइम प्रिवेंशन से ताल्लुक रखती है, क्राइम की कॉजेशन से ताल्लुक रखती है, क्राइम के एलिमेंट से ताल्लुक रखती है, मोटिव्स ऑफ क्राइम से ताल्लुक रखती है, एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रिमिनल से ताल्लुक रखती है। और याद रखिए, क्रिमिनोलॉजी न सिर्फ पास्ट के क्राइम से ताल्लुक रखती है, बल्कि जो फ्यूचर क्राइम्स हैं, जो न्यू इमर्जिंग क्राइम्स हैं, उनको टैकल करने की प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज भी हमें प्रोवाइड करती है। ये है क्रिमिनोलॉजी, जो एक सोशल साइंस भी है और बिहेवियरल साइंस, जो एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी है, क्योंकि ये हेल्प करती है सोशियोलॉजी की और सोशियोलॉजी से हेल्प लेती है क्राइम की स्टडी के हवाले से। तो इंटरडिसिप्लिनरी हुई ना, तो सब डिसिप्लिनरी क्या है? ये सोशियोलॉजी का पार्ट है, सोशियोलॉजी का सब फील्ड है, क्रॉस डिसिप्लिनरी भी है, हाइब्रिडिटी है इसकी, क्रॉस डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी हाइब्रिडिटी है इसकी बहुत ज्यादा। इसलिए इसको कहा जाता है अ किंग विदाउट कंट्री, अ किंग विदाउट कंट्री। और चीफ जस्टिस कृष्णा ने कहा था कि जनाब क्रिमिनोलॉजी क्या है? क्रिमिनोलॉजी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, सिस्टमैटिक नॉलेज है क्राइम और डिवियंस का, क्राइम और डिवियंस का, और ये नीडस है, जरूरी हिस्सा है, नीडस है किसका? क्रिमिनल लॉ का, ऑन द सोशियोलॉजिकल प्लेन, ऑन द सोशियोलॉजिकल प्लेन।
यानी फिर पूरी बात के सब डिसिप्लिन है, और उन्होंने कहा कि क्रिमिनोलॉजी इज फॉर द कम्युनिटी एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्रिमिनोलॉजी क्राइम की स्टडी करती है और क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं क्राइम के बारे में, क्राइम के कॉजेस को फाइंड आउट करते हैं, क्राइम के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करके थ्योरीज को फॉर्मुलेट करते हैं, और थ्योरीज की टेस्टेबिलिटी और वैलिडिटी को टेस्ट किया जाता है, और हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है, और रिलायबिलिटी को टेस्ट किया जाता है याद रखिए। इसलिए क्रिमिनोलॉजी को एम्पिरिकल साइंस भी कहा जाता है। तो क्रिमिनोलॉजी फिर क्या हुई जी? एम्पिरिकल साइंस, क्योंकि जनाब कलेक्शन ऑफ डेटा भी इसी में है। एम्पिरिकल साइंस कौन सी साइंस? एम्पिरिकल इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज की जाती है, डाटा कलेक्शन होता है, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम कहा जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी। उन्होंने कहा जनाब क्रिमिनोलॉजी एक अप्लाइड साइंस भी, अप्लाइड साइंस भी। मैंने कहा कि ये क्यों अप्लाइड साइंस है? उन्होंने कहा जी ये क्राइम की इन्वेस्टिगेशन, क्राइम की प्रोसिक्यूशन, क्राइम की डिटेक्शन, क्राइम की कॉजेशन सब इसमें है। इसमें क्रिमिनलिस्टिक्स भी है जो पुलिस की साइंस है, जो क्राइम डिटेक्शन की साइंस है। इसमें पिनोलॉजी भी है जो पनिशमेंट्स की साइंस है। इसमें विक्टिमोलॉजी भी है जो विक्टिम्स की साइंस है। इसलिए उन्होंने कहा ये तो जनाब अप्लाइड साइंस है क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी क्या हुई? एक सोशल बिहेवियरल इंटरडिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी सब डिसिप्लिनरी क्रॉस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसकी इंपॉर्टेंस और स्कोप एक्सपेंडिंग हो रहा है। उसकी रीजन कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ क्राइम और कंट्रोलिंग व्हाइट कॉलर क्राइम, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और खवातीन के पुलिस स्टेशन कायम किए गए। फर्स्ट फीमेल डोमिनेटेड पुलिस स्टेशन कहां कायम किया गया? और याद रखिए स्ट्रेटेजिक पुलिस रिफॉर्म्स आई और लेटेस्ट लॉ रिफॉर्म्स आई हैं 2022 के हवाले से, और डीएनए को मस्ट करार दिया गया है जी। डीएनए इज मस्ट नाउ इन एवरी रेप केस, पहले नहीं था। जजेस की ओपिनियन, कोर्ट्स की ओपिनियन डिवाइडेड थी। वो कहते थे इस्लाम नहीं मानता, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ एक्सक्लूड करता है, प्रक्लूड करता है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की फोरेंसिक साइंस को, डीएनए को नहीं मानता। उन्होंने कहा अब अंडर सेक्शन 156C ऑफ CRPC थ्रू अमेंडमेंट 2022 की जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनके जरिए अब डीएनए मैंडेटरी है, मस्ट है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिमिनोलॉजी लेडीज एंड जेंटलमैन। याद रखिए क्लियर है जी? कुछ सिलेबस के बारे में बता दूं थोड़ा सा, लो लो ऐसा सब्जेक्ट आपके बारे में बता दिया मैं जाग पढ़ो हमारा भाई सिलेबस क्या है ऐसा शॉर्ट सिलेबस नहीं, और ऐसा सब्जेक्ट नहीं देखा। सिंस 2016 से ये इंट्रोड्यूस करवाया गया, उससे पहले मैं क्रिमिनोलॉजी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में टीच करता था, लेकिन उससे पहले मैं खुद MSc क्रिमिनोलॉजी और LLM इन क्रिमिनोलॉजी ये डिग्रीज और LLB ऑनर्स क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस कर चुका, तो मुझे नहीं था पता कि ये सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट CSS में इंट्रोड्यूस होगा। मैं तो उनके क्रेजी था इस सब्जेक्ट के हवाले से, उस दौर में फिर रिसर्च कर चुका, इसलिए फर्स्ट बुक जो मेरी लॉन्च हुई और सबसे ज्यादा जो है वो प्रीतिजीरा मिली। अब तो कई किताबें इस टॉपिक पर हैं और CSS की रिकमेंडेड किताबों में से किताब है, तो अब तो अल्लाह का फजल इसमें ज्यादा जो है वो एक्शन हुआ कि CSS में, और फिर सिंध के PMS एग्जाम में। अब पाकिस्तान ये पंजाब में भी लाया जा रहा है कि जी इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट PMS में भी इंक्लूड
किया जाए। सिंध के पीएमएस एग्जाम में है याद, ये वह सब्जेक्ट है जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में बीएस लेवल पे, एमएस लेवल पे, एमए लेवल पे, एमएससी लेवल पे और एमफिल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, याद रखिए। और पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, वो एमएससी करवाती है, एमएससी क्रिमिनोलॉजी, दैट इज माय ऑर्गेनाइजर, माय इंस्टीट्यूशन, जहां से मैंने एमएससी क्रिमिनोलॉजी वहां से और एक बार से एमएससी क्रिमिनोलॉजी की। तो इतना इंटरेस्ट था, फिर इसी में मैंने प्रैक्टिस की, इसी की प्रैक्टिस क्रिमिनल केसेस को टेकअप किया और इसी के हवाले से ही मैंने स्टार्ट से ही इसी को अपनाया। और मुझे नहीं अंदाजा था कि ये एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सीएसएस में ये, फिर इसकी जो रिपोर्ट आई वो बहुत अच्छी आई, मैंने पढ़ाना शुरू किया सीएसएस वालों। तो फिर हमारे जो प्रोडक्ट्स आए उसमें फातिमा तारिक है, डॉक्टर जरबाब फातिमा है, महक फातिमा है, मुनीब है, आज वो कामयाब सीएसपीस हैं। हमारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने पैदा किए, आपने क्या पैदा किया, हमने ये पैदा किए कि हमारी प्रोडक्ट्स हैं आपकी मार्केट के अंदर, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, याद रखना। अगर वो इंसान जो एक इंसान काम कर चुका है वो आप भी कर सकते, ऐसी तो बात ही कोई, आप ज्यादा हूं हा ना करें, ऐसे कोई शक पड़ता है मुझे कहीं मामला अपना गड़बड़ हो जाए। तो सिलेबस बड़ा इजी सा है, शॉर्ट सा है, एक सिलेबस जो है ऐसा है जनाब, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ इंटरलेट, आप एक टॉपिक तैयार करते हैं दूसरा टॉपिक तैयार हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसा कोई सिलेबस नहीं है ना जेंडर स्टडीज का, ना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, ना इंटरनेशनल लॉ का, यकीन कीजिए, जो इस तरह का है। आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तैयार करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम तैयार, आप थ्योरीज पढ़ते हैं वो क्राइम के कॉजेस तैयार हो जाते हैं, आप क्राइम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन तैयार होते हैं। तो ऐसा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड ना हो। लेकिन आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा, याद रखिए, वो आज मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है कि डिफाइन क्रिमिनोलॉजी, और मैंने आपके सामने डिफाइन किया है क्रिमिनोलॉजी, डिफाइन क्रिमिनोलॉजी, व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी। और दूसरा ये है, मैं उसी पॉइंट पे हूँ कि व्हाट इज द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी की नेचर क्या है, क्या ये साइंस है, प्योर साइंस है, सोशल साइंस है, बिहेवियरल साइंस है, मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, ये क्या है भाई, क्या बला है ये, ठीक है जी। तो सिलेबस बड़ा इजी सा है। आपने कहानी सुनी होगी, नशापुर के गांव वजाला में पैदा होने वाला बच्चा दुनिया का इमाम कहलाए, लेकिन क्यों, सवाल पैदा कर पूछे लगते ज्यादा पूछेंगे तो बताऊंगा, वो नेशापुर के गांव गजाला में पैदा होने वाला बच्चा, अभी डिस्क्लोज क्यों कर रहा हूं, हो सकता आप ही हो। तो जनाब वो घंटों उस्ताद के इंतजार में खड़ा रहता, उस्ताद साहब ने कहा उन दिनों ये अपर माल की एकेडमी और ये आईएसएफ और ये फैशन नहीं हुआ करता था, ये इदारे नहीं हुआ करते थे, और उन दिनों तालीम की कदर थी, उस्ताद तो वर्शिप किया जाता था, इंतहा थी अदब की, तो मटेरियलिस्टिक उस्ताद भी नहीं था, इलम भी कुछ दिली से सिंसियरली इंकल्केट करता था। वो घंटों उस्ताद के अदब में खड़ा रहता है, एहतराम में खड़ा रहता, वो जनाब घोड़े पे आते राइड करते और सुल्तान के बच्चे को पढ़ा के चले जाते, बादशाह सुल्तान के। एक दिन उस्ताद ने कहा भाई क्यों लड़के क्यों खड़े रहते हो मेरे रास्ते में, क्या वजह है। उसने कहा सर मैं तालिबे इल्म हूं, स्टूडेंट, आई हैव एक्सट्रीम क्वेस्ट फॉर नॉलेज, मैं जनाब इल्म हासिल करना, इल्म कैसे हासिल करना चाहता हूँ, इतना फुली एनग्रास्ट था कि सर पर परिंदे भी आकर बैठते हैं तो पता नहीं क्या बैठा है, ये हूँ हाँ नहीं थी, याद रखना।
बात समझते हैं, बस सोशलाइजेशन का मामला होता है। तो वो जनाब उस्ताद साहब ने कहा बेटे मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मैं कैसे आपको टाइम दूं। मैंने कहा सर बात ये है कि मेरे पास एक रास्ता है, मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे हम मैं आपसे इल्म हासिल कर सकता हूं। जब आप वापस आते हैं पढ़ा कर जा रहे होते हैं तो मैं आपकी घोड़े की लगाम पकड़ूंगा और मेरे कुछ सवाल होंगे, बस मेरे सवालों के जवाब देते जाइए। वो भी उस्ताद था, कामल उस्ताद थे, ऐसे तो नहीं कि टाइम किल करने के लिए आए हैं और बस टीवी पे भी। उस्ताद था, उस्ताद होना बड़ी बात है, गुरु होना बड़ी बात। तो वो जनाब उन्होंने कहा कि बेटा सवाल किस, उन्होंने मेरे सवाल होंगे तो पहला सवाल लिखा था, पहला सवाल जो पूछा ना उसने अपने गुरु से उस्ताद से पहला सवाल क्या था, मैंने कहा जी व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी, और साथ ही क्या कहा डिस्क्राइब द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अच्छा जी जो हम क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करेंगे वो कीपिंग इन विद द पास्ट पेपर्स होंगे, सिलेबस होगा, पास्ट पेपर्स होंगे, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम साथ ही साथ आपका मॉक टेस्ट भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करते जाएंगे ताकि आपकी असेसमेंट हो सके। असाइनमेंट फॉर्म में भी हम काम कर सकते हैं, असाइनमेंट आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपको कहा जा सकता है कि आप असाइनमेंट्स इन टॉपिक्स पर पढ़ाएं। ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक्स एक्सपेक्टेड हैं और आईसेप की टीम गवाह है कि हमने जो वर्कशॉप लास्ट टाइम करवाई वही पेपर था, जो एक एक वर्डिंग अल्फाज भी वही थे जो हमने बोले कि ये पहला क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और वही अल्फाज थे जिन लोगों ने, आज भी हमारे स्टूडेंट आए हुए थे जिन लोगों ने वो वर्कशॉप्स अटेंड की, वो टेक्निक सीखी, वो अच्छे रहे और उनका पेपर भी अच्छा रहा। तो इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न कि आप अपने फ्यूचर को बनाने जा रहे हैं तो जरूर ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, मोस्ट ऑप्टेड सब्जेक्ट है, लेकिन स्कोरिंग टीचर और टॉट ने मिलकर बनाना होता है, दुनिया की और कोई ताकत जो है इसको स्कोरिंग नहीं बना सकती जब तक टीचर और टॉट मिलकर अपना इंट्रैक्शन शो ना करें, कॉपरेशन शो ना करें। और अगर मैं तो आपको वही दे सकता हूं जो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन से, प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर और विजन से सीखा, ऑब्जर्वेशन से सीखा, वही आपको मैं इंकल्केट करना चाहूंगा। मैं वो सुपरफिशियल इल्म जो अभी आप जो किताबें पढ़ते हैं जो कंपाइल की गई हैं वो उस तरह का इल्म नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपका फ्यूचर इस सब्जेक्ट से सवर जाए, क्योंकि मुझे मुनीब जो एएसपी हुआ उसने कहा कि अगर मैं ये सब्जेक्ट ऑप्ट ना करता तो आज मैं एएसपी ना होता, ये उसके अल्फाज थे। मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि हमने क्या काम किया है, हमें तो अंदाजा नहीं था, उन्होंने कहा कि आपने क्या काम किया। बात समझते हैं? तो आप फॉलो कीजिए पहला क्वेश्चन व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी और डिस्क्राइब द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको सिलेबस और पास पेपर्स को कीपिंग इन व्यू रखते हुए बताऊंगा। देखिए पहले आप जरा सवाल सबको सुन लें यार, अभी आप इतने इंक्यूजिटिव हो रहे हैं, इंपेशेंट हो रहे हैं, अच्छी बातें नहीं है बेटा। इल्म जो है वो पेशेंस के साथ हासिल किया जाता है, होल्ड करें अभी, उसके बाद देखते हैं सवाल क्या पूछे गए और आगे स्टूडेंट क्या निकला, उस्ताद कौन था, अभी चलने तो दे, वो जब सेशन एंड होगा बताऊंगा। मैं पहला क्वेश्चन मैंने बता दिए, पहला क्वेश्चन बता दी। अब सेकंड क्वेश्चन बेटा इसी चैप्टर में से हो सकता है, कहते हैं डिफाइन क्रिमिनोलॉजी, व्हाट इज द एक्सपेंडिंग स्कोप, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान, क्लियर?
थर्ड इसी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि जनाब डिस्कस द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस वैल्यू बेटा ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी हाईलाइट करें हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज अ डिसिप्लिन भी डिस्कस करें। यानी हिस्ट्री ब्रैकेट में लिख लें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनोलॉजी विद रिस्पेक्टिव टू स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ले जी ये चैप्टर उठ गया, आगे चलते हैं। अब बेटा उसने ये भी कहा कि आल्सो हाईलाइट हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। जी साथ ही उसने पूछा 10-10 मार्क्स के दो पार्ट उसने किए, इंक्रीजिंग के लिए इंपॉर्टेंस के लिए 10 मार्क्स, हिस्ट्री के लिए 10 मार्क्स। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन उसने पूछा, उसने कहा व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज क्राइम। आप खुद देखिएगा कितने इंटर रिलेटेड है, आप स्कोप तैयार करेंगे इंपॉर्टेंस तैयार हो जाएगी, आप डेफिनेशंस तैयार करेंगे उसकी नेचर तैयार हो जाएगी सबके। इतना इजी गपशप वाला सब्जेक्ट है लेकिन सोशल साइंस है लॉ नहीं। बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं ये लॉ है जी, कोई पीपीसी सीआरपीसी के सेक्शंस लिखने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं भाई ये सोशल साइंस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे, तो प्रेजेंटेशन अच्छी सी करनी पड़ेगी, डेकोरेशन कुछ तो करना पड़ेगा 85, 87, 89 लेने के लिए, 6 लेने के लिए, ऐसे तो नहीं आ जाएंगे ना, सीखना पड़ेगा। उन 4-5 लोगों ने भी सीखी थी टेक्निक्स, वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे, कोर बिल्कुल ब्लैक माइंडेड थे कि सर क्या करना है, बाद में वही थे जो टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ा रहे थे, वही थे जो टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लासेस दे रहे थे और एक्नॉलेज कर रहे थे कि हमने कहां से पढ़ा किससे पढ़ा, उनकी मेहरबानी है उनकी नवाजिश है उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को। आगे चलता हूं, व्हाट इज क्राइम, जी वही व्हाट इज क्राइम, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। आप एक दफा आज घर जाकर इन सवालों को और मेरी बातों को जरूर देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी अंदाजा नहीं है, अंदाजा तब होता है जब कुछ लेक्चर गुजर जाते हैं, फिर अंदाजा होता है कि आप किस ट्रैक पर जा सकते हैं, और कुछ मेरे बारे में पता भी कर लीजिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि मलिक साहब जो है वो किस अंदाज से आप पर मेहरबान है। तो आप जरा मेहरबानी करके लिखिए, सब्जेक्ट स्कोरिंग है लेकिन मेहनत आपने करनी है, मैंने सिर्फ असाइनमेंट्स बनाने और कुछ नहीं। सबसे ज्यादा बर्डन मेरे ऊपर है, मेरे शोल्डर पर है, सबसे ज्यादा मैंने ही आपको डिलीवर करना, आपने सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं, इतना तो काम कर सकते। और फिर मैं कहता हूँ स्पीड चाहिए सीएसएस करने के लिए राइटिंग, और कुछ नहीं है, सीएसएस इज ऑल अबाउट राइटिंग। और अगर राइटिंग अच्छी नहीं है अंग्रेजी की, फिर मामला ठीक कर लें, अच्छे कर लें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, और साथ ही उसने कहा हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन क्राइम एंड सिन, क्राइम एंड डिवियंस, क्राइम एंड वाइस, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन क्राइम एंड सिन, जुर्म और गुनाह में क्या फर्क है, क्राइम एंड डिवियंस, जुर्म और मुआशरती इनहराफ में क्या फर्क है, क्राइम एंड वाइस, जुर्म और बदी में क्या फर्क है। और साथ ही छोटा सा नोट दिया उन्होंने, डिस्कस आल्सो डिस्कस क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान,
क्राइम ऑल्सो डिस्कस क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलता हूँ. अगले वाला What are the criminological perspectives? What are the criminological perspectives? What are the criminological perspectives? Your perspectives on crime and deviance kya hai? Ye bhi hai. Is some dash bhi puche. Perspectives on crime and deviance. Allahu Akbar. और साथ ही कहता है क्लासिफाई करो क्राइम और क्रिमिनल्स को. टाइपोलॉजी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स बयान करो. टाइपोलॉजी काइंड्स ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स क्या है ये बयान कीजिए. साथ ही उन्होंने कहा 10 मार्क्स पर्सपेक्टिव्स के और 10 मार्क्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स के. अंडरस्टूड ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स. बेटा टाइपोलॉजी क्लासिफिकेशन को कहते हैं, काइंड्स और टाइप्स को. एक स्टूडेंट मेरे पास आया, कहते हैं सर ये टाइपोलॉजी, बाकी तो पेपर में बहुत अच्छा कर आया हूं, एक ये टाइपोलॉजी क्या है? तो इसलिए मैंने कहा काइंड्स होती है. ठीक है, तो मैं एक दिन पेपर चेक कर रहा था तो पूरे पाकिस्तान से मॉक टेस्ट और जेन्युइन टेस्ट आते हैं चेक होने के लिए. तो आप यकीन कीजिए बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसी ऐसी गलतियां की जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ था प्रोस्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. अब अंदाजा कीजिए मैं क्या मार्क्स दूं भाई, मैं क्या मार्क्स दूं? अल्लाह या हाफिज़ ऐसे स्टूडेंट का. हाँ जी, कुछ सेंस नहीं है. असल में एंड्रॉयड मोबाइल ने याददाश्त खोली, आंखें छीन ली, बसारत छीन ली, समाध छीन ली. ओ माय गॉड, एंड्रॉयड राज़े हयात पूछ ले, क्या बात है. इकबाल ने कहा था आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, दुनिया क्या सिखा होते. आज देखता हूँ इतने अच्छे नौजवान हैं, हैंडसम हैं, लेकिन आंखों पर ग्लासेस है, चश्मिश भरे हुए हैं. अल्लाह भला ही करे. आज ये हाल है तो 20 साल के बाद क्या हाल होगा. मैं एक दिन कोई 4 घंटों की क्लास थी कोई 100 स्टूडेंट्स के साथ किसी और इदारे में. तो आप यकीन कीजिए वो तमाम स्टूडेंट्स कहे कि हम तो थक गए, हम तो बैठे बैठे थक गए. मैंने कहा 4 घंटों से मैं बोल रहा हूँ मुसलसल, मैं तो नहीं थका. मैं तो अभी आपको और भी बता सकता हूँ, मेरे तो ये एक्ट ऑफ वॉरशिपिंग है, लव है, ये क्रिमिनोलॉजी. हमें तो थकावट नहीं है. जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको थकावट हो सकती है. जब आप बियॉन्ड इस मामला से चले जाते हैं, अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, एक्ट ऑफ वर्शिपिंग समझते हैं, इल्म को, तालीम को, तो फिर आपके लिए वो एक मशगला होता है, वो आपके लिए टायरिंग काम नहीं होता. याद रखिए. नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. शॉर्ट नोट आएगा. पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी. पिनोलॉजी बेटा पनिशमेंट्स की स्टडी को पिनोलॉजी कहा जाता है. पिनोलॉजी पोइना से है. पोइना का मीनिंग है पेन और ओलॉजी का मीनिंग है स्टडी. पनिशमेंट्स की स्टडी, पिनल कोड्स की स्टडी, प्रिजनर्स की स्टडी, प्रिजन सिस्टम की स्टडी पिनोलॉजी. पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी. दूसरा बेटा नेक्स्ट, क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनलिस्टिक्स. तीसरा, फिनोलॉजी एंड फिजियोगोनमी. स्पेलिंग का हेर फेर ना कीजिएगा, उन पर सत्यानाश का कीजिएगा. फिनोलॉजी Phrenology, ये बेटा जो इनकी स्पेल
शेप बड़ी होती है, खोपड़ी बड़ी होती है, वहां से उनका ये डिटरमिन किया जाता है कि क्राइम से कैसे रिलेशन है, रिलेशन विद द क्राइम जी। फिर नॉलेज जी, ब्रेन बड़ा, ब्रेन स्कल बड़ी। और नंबर टू फिजियोगनोमी, फिजियोगनोमी फिजियोगनोमिस्ट, आपका फेशियल फीचर्स, फेशियल फीचर्स और आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो आज आप मुलजमान की करवाते हैं, फेशियल फीचर्स जो है और इनका क्राइम के साथ क्या रिलेशन है, ये फिजियोगनोमी। बेटी मैंने अर्ज किया है, मैंने ख्याल आपने सुना नहीं, तमाम थ्योरी रिडंडेंट हो चुकी है, ये सारी की सारी नेगेटिव डिस्प्यूटेड हो चुकी है, बट दे हैव पेव्ड द वे ऑफ क्रिमिनोलॉजी टुवर्ड्स अ मोर साइंटिफिक क्रिमिनोलॉजी। अरे वाला मैंने ये अर्ज की थी, आपने लगता है सुना। नेक्स्ट, ये शॉर्ट नोट खत्म हो गए, डिटेल क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। बस बेटा एक बात मुझे बुरी लगती है और वो है जो है वो गुफ्तगू करना आवाज, क्योंकि यहाँ रेवलेशन हो रही होती है, यू आपको अंदाजा नहीं है, मुझे अंदाजा होता है, तो वो डिसरप्ट हो जाती है, फिर मैं डिट्रैक्ट हो जाऊंगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर डिसरप्ट हो जाऊंगा, मेरे साथ ये मामला है। तो आपसे गुजारिश है कि आप आवाज ना निकालिएगा, साइलेंस जितनी रखेंगे उतना मैं डिलीवर कर सकूंगा, और आप यकीन कीजिए आपको किताबों से तमाम बातों से बेस्ट डिलीवर करूंगा। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि आप कैसा डिलीवर करते, मुझे तो अंदाजा ही नहीं कि मैं कितना प्यार करता हूँ क्रिमिनोलॉजी से। आगे चलता, इसलिए लोगों ने कहा कि ये तो लगती है आपकी डार्लिंग है, मैंने कहा क्या कहा तुमने, कहा डार्लिंग है आपकी, मैंने कहा फिर कहना, कहा डार्लिंग है आपकी, मैंने कहा है। आगे चलते, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। बेटा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसलिए कह रहा हूं आज घर जाके पास्ट पेपर देखिएगा, अंदाजा होगा आपको कि आपने क्या पढ़ा, आज सीखा क्या। 3 घंटों, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, इस्लाम ने क्या कहा है क्राइम क्या है, इस्लाम का मोड ऑफ पनिशिंग द ऑफेंडर्स क्या है, इस्लामिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ क्या है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम क्या है, इस्लाम का तज़किया और शहूद क्या है, इस्लाम का हद और तज़ीर क्या है, इस्लाम का किसास और दियत का क्या है, अर्श और दमान का वे क्या है, सजा क्या है, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। हदूद क्राइम्स क्या होते हैं, तजीर क्राइम्स क्या होते हैं, किसास और डीएस से रिलेटेड क्राइम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, क्रिटिकली एनालाइज द बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनलिटी। 2020 का पेपर देख लेना, पहला क्वेश्चन था क्रिटिकली एनालाइज द बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनलिटी, बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम। नंबर टू, क्रिटिकली एनालाइज द साइकोलॉजिकल, ब्रैकेट में लिखे, ब्रैकेट में लिखना है, साइकोपैथी साइकोपैथोलॉजी, ब्रैकेट में लिखना है बेटा, साइकोलॉजिकल थ्योरीज, ब्रैकेट में लिखना है साइकोपैथी एंड साइकोपैथोलॉजी, मेंटल डिसऑर्डर्स की स्टडी लीडिंग टुवर्ड्स द क्रिमिनल बिहेवियर। नेक्स्ट, क्रिटिकली एनालाइज द सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, कौन सी थ्योरीज, सोशियोलॉजिकल इब्रानियाती नजरिया, जुर्म क्या है, याद रखिएगी ये बातें हो गई। अब इसके साथ उसने एक डिबेट पूछी है, नेचर वर्सेस नर्चर, आप किसको सपोर्ट करेंगे, नेचर को करेंगे, इंसान बॉर्न क्रिमिनल है बायोलॉजिकली, वो उसके पास प्रोपेंसिटी है टू वर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम, बायोलॉजिकल ये फिनोमेना है क्राइम,
या आप कहेंगे सोशियोलॉजिकल है, सोशल फिनोमेना, नेचर वर्सेस नर्चर, नर्चर किसको सपोर्ट करेंगे? नर्चर, नेचर, नेचर को। चले हम ये बहस करेंगे जिस दिन ये टॉपिक होगा, आपको बताएंगे कि किसको सपोर्ट करना है। आगे चलते हैं, पांच थ्योरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें से तीन जो मैं बता बताऊंगा उनमें से एक जरूर पूछी जाएगी। लिखे पांच थ्योरीज, सोशियोलॉजिकल पांच थ्योरीज हैं आपके सिलेबस में। नंबर वन, सोशल डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय सदरलैंड। सोशल डिफरेंशियल बेटा ऑलरेडी बता चुका हूँ, सोशल डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। मैं एंड्रॉइड मोबाइल और हैंड फ्री का इस्तेमाल सत्यानाश कर गया। आगे चलता हूं, जी जी थैंक यू बेटा, शुक्रिया। जी बेटा पूछे, मुझसे पूछे। साइकोपैथी और साइकोपैथोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ मेंटल एलिमेंट्स, मेंटल डिसऑर्डर्स। ब्रेक रूम भी चाहिए क्वेस्ट फॉर नॉलेज रखते, दे आर एक्सट्रीम क्वेस्ट फॉर नॉलेज। जी तो पहली थ्योरी थी सोशल डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय सदरलैंड कब 1939 में अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी 1939 में ये थ्योरी पेश की अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। इसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। अब सोशल लर्निंग थ्योरी इम्तिहान में आ जाए तो सोच रहे ये कौन सी थ्योरी थी। आगे सोशल बॉन्ड्स थ्योरी, सोशल अटैचमेंट थ्योरी, क्राइम कंट्रोल थ्योरी किसने पेश की? जनाब ट्रेविस सेठी साहब ने। किसने? ये नाम है सर, अरे इतने घूट घूट कर देखने की जरूरत नहीं।
हिर्ची सर, ये मिर्ची ना लिख लीजिएगा, हिर्ची है। तो उन स्टूडेंट में से एक ने कहा सर मिर्ची साहब ने क्या कहा था, मैंने कहा भाई हिर्ची है मिर्ची नहीं। आगे चलिए, सोशल बॉन्ड थ्योरी, अटैचमेंट थ्योरी, क्राइम कंट्रोल थ्योरी, ये नाम है और कब पेश की, अपनी किताब जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। ये क्या होता है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, और वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र होते हैं, नशा करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन के शॉट्स लेते हैं, डिसोबे करते हैं पेरेंट्स को, एलोपमेंट करते हैं, रन अवे मैरिजेस करते हैं, 18 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं। भाई आप इतने क्यों खुश हो रहे हैं, इतने क्यों खुश हो रहे हैं आप? आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो अडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर हैं आप, तो जनाब दम मारो दम करते हैं और पबजी की एडिक्शन रखते हैं और आधी रात को जनाब पिज्जा और बर्गर खेच रहे होते हैं खिड़की से 2 बजे रात को, तो ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, बेड कंपनी का शिकार होते हैं और डैमेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। इस बिहेवियर को जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहा जाता है, याद रखें। Causes of Juvenile Delinquency किताब लिखी कब, 1969, उसमें ये थ्योरी पेश की, सोशल बॉन्ड्स थे, प्यार के चार बंधनों वाली थ्योरी पेश की, बंधन वाली थ्योरी, बॉन्ड्स बंधन, याद रखो। आगे चलते नेक्स्ट नंबर 3 थ्योरी है लेबलिंग थ्योरी, लेबलिंग, रिचर्ड यू आर ए थीफ, यू आर ए रॉबर, यू आर ए डकैत, यू आर ए सो एंड सो, लेबल इंपोस्टर, यू आर लेजी, यू आर दिस, लेबल इंपोस्टर, नेगेटिव इमेज, लोअरिंग हिम डाउन इन द आईज ऑफ राइट थिंकिंग पीपल। और फिर क्या हुआ, जब लेबल इंपोस्ट हुआ, लेबलाइज हो गया, स्टिग्माटाइज हो गया, उसको ऑस्ट्रासाइज किया, पेनालाइज किया, इसको लेबलिंग थ्योरी कहा जाता है, लेबल इम्पोज किया जाता है, तुम तो चोर हो, रिचर्ड यू आर ए थीफ, लेबल लगा उसको, लोअरिंग हिम डाउन इन द राइट थिंग। वो कहता है सारी दुनिया चोर कहती लेकिन तुम मुझे चोर ना कहते, अब तुमने चोर कहा, अब मैं चोर बनकर दिखाऊंगा, यह है लेबलिंग थ्योरी, ये है लेबलिंग थ्योरी, सारी दुनिया कहती कि तुम चोर हो पर तुम ना कहते चोर हो। हाँ जी, ये कौन है, ये सर कौन है, इतने भाई क्यों इतना जोश बलबला तुम्हें आया हुआ है, कमाल हो गया, ख्याल रखो भाई, ख्याल हो गया, बी पेशेंट। हाँ आगे चलता हूं, किसने पेश की, हाय हाय कमाल कर दिया उसने, हॉवर्ड बेकर ने पेश की, हॉवर्ड तेरा भला क्यों कह रहे तुमने पेश ऐसे किए थे, हॉवर्ड बेकर नहीं, बेकर नहीं है, बेकर नाम लिख लो, कल को फायदा होगा तुम्हें, एमसीक्यू में पूछी जाएगी लेबलिंग थ्योरी किसने पेश। नेक्स्ट फोर्थ थ्योरी, फोर्थ बेटा सोशल स्ट्रेन थ्योरी। अच्छा इस थ्योरी को एनोमी थ्योरी भी कहा जाता है, एनोमी थ्योरी, सोशल स्ट्रेन थ्योरी, पुट फॉरवर्ड बाय रॉबर्ट किंग मल्टन, आर के मल्टन, प्यार से हम कहा करते थे आर के मल्टन, कब पेश की, 1938 में पेश की। लास्ट थ्योरी बेटा, हाँ 1963 में हार्वर्ड बेकर साहब ने पेश की, और भी 2 बंदों का नाम है अगर ऐसे करूं इजाजत हो तो बता देता हूँ, फ्रैंक टेनेनबाम, और इसके अलावा एक और नाम है लेमर्ट, लेमर्ट ऐसे लिखते हैं बेटा, ऐसे लिखते हैं लेमर्ट, इसने पेश की, और फ्रैंक टेनन, जब मैं पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा
तो साथ ही बताऊंगा कि इनके बाद क्या क्या थ्योरीज पेश हुई और 2022 में कौन सी थ्योरीज पेश हुई, इन्हीं की थ्योरीज पेश करा टेनबॉम। एनोमी थ्योरी पेश की किसने, रॉबर्ट किंग मर्टन ने, उसे स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। और बेटा लास्ट सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, सबसे पहले इमाइल रुखाइम ने पेश की थी, मैं लिख देता हूं, फ्रांसीसी नाम है, आपने कभी सुना नहीं होगा, इमाइल रुखाइम। कौन सी थ्योरी थी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी है फोर्थकमिंग अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, मेरी बात याद रखना, लेबलिंग थ्योरी और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2023। जी सर, सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। सबसे पहले 1893 में अपनी किताब सुसाइड एंड सोशल फैक्ट्स में और डिवीजन ऑफ लेबर में इमाइल रुखाइम ने ये थ्योरी पेश की, सुसाइड एंड सोशल फैक्ट्स प्लस डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर भाईजान, कानों को तेज करवाए ना, हाथों को सर, हेलो। अब इसको फॉलो करते हुए इमाइल रुखाइम को हेनरी मैकिन शॉ ने ये थ्योरी कब पेश की, 1920s में, फिर 1940s में इसको रिवाइज किया गया 1940s में, और फिर याद रखना ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, 1934 में इस थ्योरी को ACP एडवांस शिकागो प्रोजेक्ट के जरिए थ्योरी से प्रैक्टिस में चेंज कर दिया और शिकागो सिटी को, सिटी पर इसको फुली अप्लाई किया गया। 5 zones बनाए गए उसके, 5 zones थ्योरी। इस थ्योरी को इकोलॉजिकल, भाई आप अगर सुनेंगे तो ठीक है, वरना यहाँ मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसको इकोलॉजी, मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर सिलसिला और है, इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है इसको, कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी भी कहा जाता है, 5 zonal थ्योरी भी कहा जाता है इसको, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी कहा जाता है। इसके नाम नोट फरमा लें, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, शिकागो स्कूल वाली थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी, कल्चरल ट्रांसमिशन वाली थ्योरी, 5 zones वाली थ्योरी, 5 zonal थ्योरी इसको कहा जाता है। अल्लाह, ये इमाइल रुखाइम के बाद इन लोगों ने पेश की, और भी बहुत से लोग हैं जैसे कि रॉबर्ट थॉमसन है, पार्क एंड बर्जेस है, पैटरसन है, इसी के साथ ही नाम आते हैं। तो बस मैंने कहा कि आप कहीं खौफजदा ना हो जाएं, ना लिखी जा रहे लेन। एक और लिख लें, सीरीज कंप्लीट हो गई, बस ये अगर आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो ये भी लास्ट है, ये आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। डिफाइन जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, क्या कहना चाह रहे बेटा, बोले डिफाइन जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। कान मेरी तरफ और ध्यान भी मेरी तरफ, बैठे यहां है, पहुंचे कहीं और, मैकडोनल्ड को भूल जाया, आगे चलता हूं मैं। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को डिफाइन कीजिए, व्हाट आर रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के क्या हैं, नेचर एंड एक्सटेंट क्या है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की, और कॉजेज क्या है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जब पास्ट पेपर देखोगे तो फिर हमारी बातें तुम्हें याद आएंगी, अभी सोच रहे हो कि
क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा जो बनाया डेलिंक्वेंसी को डिफाइन कीजिए, इसके रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को बयान कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। फिर मैंने कहा अलग से एक और नेचर और एक्सटेंट जो बनाया डेलिंक्वेंसी की इन पाकिस्तान बयान कीजिए, और फिर लास्ट पे मैंने कहा कि कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी पर डिटेल से नोट लिखिए। कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी पर डिटेल से नोट लिखिए। सीएसएस के एस्पायरेंट हैं आप, बीए और एफए के स्टूडेंट नहीं, आप याद रखना मास्टर्स के सीएसएस के स्टूडेंट हैं। अल्फाज बोलूं तो फौरन लिख लेने चाहिए। चार बातें की है मैंने, डिफाइन कीजिए इसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को, रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स बताइए, नेचर और एक्सटेंट इन पाकिस्तान जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बताइए, और कॉजेस बताइए, और लास्ट में रेमेडियल स्ट्रेटजीज क्या है, रेमेडियल मेजर्स क्या है आपके पास इसको कर्ब करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, कंबैट करने। ओके बेटा, यहाँ तक क्लैरिटी है। और नेक्स्ट, critically analyze the juvenile justice system of Pakistan. Critically, please, critically analyze the juvenile justice system of Pakistan. What is next? इसी का, इसी को same. वो angle change कर सकते हैं अपना. Angle कैसे change करेगा सुने? What is juvenile justice system? Who is juvenile? And what are the duties, roles, and responsibilities of juvenile stakeholders towards juvenile? अपना एंगल चेंज कर सकते हैं, बातें वही होंगी। मैंने कहा है what is juvenile justice system, पहली बात। दूसरी बात, who is juvenile? जो 18 साल से कम उम्र होता है at the time of commission of offence, जुर्म करते वक्त जिसकी उम्र 18 साल से कम उम्र होती है उसे हम जुवेनाइल कहते हैं। हु इज जुवेनाइल एंड व्हाट आर द रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ जुवेनाइल स्टेक होल्डर्स, यानी पुलिस, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस लॉयर, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस लॉयर, और जुवेनाइल कोर्ट, प्रोबेशन ऑफिसर, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, इनका क्या रोल है टुवर्ड्स जुवेनाइल, और राइट किसके जुवेनाइल के, ड्यूटीज किसकी हैं, पुलिस की ड्यूटी टुवर्ड्स जुवेनाइल, प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी टुवर्ड्स जुवेनाइल, डिफेंस लॉयर की ड्यूटी टुवर्ड्स जुवेनाइल, जुवेनाइल कोर्ट की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी टुवर्ड्स जुवेनाइल, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की ड्यूटी टुवर्ड्स जुवेनाइल। मुश्किल क्या है भाई इसमें? और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें कौन से राइट्स हैं जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में जुवेनाइल के वायलेट किए जा रहे, व्हाट सॉर्ट ऑफ राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, व्हाट काइंड ऑफ राइट्स ऑफ जुवेनाइल आर बीइंग वायलेटेड इन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। सारी दुनिया कहती है कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनालिटी कैन नॉट बी अवॉर्डेड एट एनी कॉस्ट irrespective of the nature of the offense. How shocking, gruesome, brutal, heinous offense is. No capital punishment, no death penalty be awarded to the juvenile. How it would be horrendous to visualize a child being hanged. How it would be horrendous to visualize a child being hanged. 10%, सुनिए अल्फाज सुनिए, मैं आपको स्टैटिस्टिकल डाटा बता रहा हूँ, 10% टोटल कंडेम्ड प्रिजनर्स में से, 10% टोटल कंडेम्ड, डेथ कंडेम्ड रो वाली प्रिजनर्स में से, पॉपुलेशन में से 10% जो है वो जुवेनाइल है जिनको डेथ पेनल्टी दी जा रही। सारी दुनिया कहती है नो डेथ पेनल्टी। हमने वादा किया सीआरसी से Convention on the Rights of Children, जिसके हम मेंबर बने 1990 में, 1990 में, कि हम जो तुम कहोगे हम वैसा करेंगे, हमने साइन किए, मेंबर बने सीआरसी, लेकिन नो डेथ पेनल्टी, आईसीसीपीआर नो डेथ पेनल्टी, बीजिंग रूल्स
बीजिंग रूल्स नो डेथ पेनालिटी, टोक्यो रूल्स नो डेथ पेनालिटी, वियना कन्वेंशन नो डेथ पेनालिटी, अमेरिकन रूल्स नो डेथ पेनालिटी, नो डेथ पेनालिटी याद रखिएगा, और यूरोपियन कन्वेंशन नो डेथ पेनालिटी, इंटरनेशनल principles of the juvenile justice system and policies, no death penalty. Juvenile Justice System Act 2018, no death penalty. Juvenile Justice System Ordinance 2000 in Pakistan, no death penalty. Juvenile Rules 2001, no death penalty. Juvenile Justice System Act 2018 in Pakistan, no death penalty. But we are awarding death penalty, violating the international norms, procedures and practices, international law. First question है जिस पे आपने assignments पे तैयार करनी है और वो है what is criminology? Discuss the nature of criminology. सर आपको assignment कैसे send कर सकते हैं, मतलब आपका कोई assignment अगर ये जो आपने question दिया है तो ये सेंड करना हो आपको तो कैसे कर सकते हैं, और आप सर आपका नाम उनको आईसेप के फॉरम पे भेजते हैं, कोई ईमेल वगैरह इन्होंने आपको दिया होगा आप भेजें, ये स्कैन करके मुझे पहुंचा देंगे, मैं चेक कर लूंगा नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा नेक्स्ट वीक पे जब भी मेरा मुझे टाइम मिला। ओके सर। और सर आप बता रहे थे कि आपकी मतलब बुक है ना मार्केट में, तो क्या मुझे आपका नाम नहीं पता है? मैं आपको बताऊं, एक मेरी किताब बड़ी लेटेस्ट आ रही है और वो इंटरनेशनल लेवल की किताब है, वो 10 सितंबर में आ रही है, वो किताब आप ले लीजिएगा, मैं आपको किताब वो दिखा दूंगा, वो 10 सितंबर से पहले पब्लिशर ने मुझे वादा किया है कि वो हम पब्लिश कर देंगे, तो वो किताब परचेज कीजिएगा लीजिएगा, मैंने उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की है, हमारी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की है, टाइपिस्ट ने, कंपोजर ने, हमने वो लिखी है, कंपाइल नहीं की, आपको लगेगा कि ये लिखी हुई किताब है, इसकी हेडिंग किसी दूसरी किताब से नहीं मिलती, ठीक है। फ्लो चार्ट स्टैटिस्टिकल डाटा लेटेस्ट हो 2022 का, वो आप लीजिएगा, ठीक है सर। तो ब्रेक है उसके बाद वापस आते, तो 9 बजे किसने कहा 9 बजे, अभी आप 10 मिनट ब्रेक ले और क्या कमाल हो गया, पढ़ना चाहते हैं। बच्चों का CSS पैशन बन जाता है तो ये जरूर काम करता है।
सीएसएस नाम है पैशन. कोई भी काम हो, कोई भी प्रोफेशन हो, अगर पैशन है, इफ यू आर डिवाइड ऑफ पैशन तभी काम चलेगा, इफ यू आर फुल ऑफ पैशन फिर काम चलेगा. नेक्स्ट. और एक बात मैं आपको बेटा क्लियर कर दूं, आपने क्रिमिनोलॉजी की तैयारी के लिए पहली बात तो ये मैं कोई किताब रिकमेंड नहीं कर रहा. दूसरी बात ये है कि आपने क्रिमिनोलॉजी की तैयारी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जहां लॉयर्स, जजेस और पुलिस वाले, पुलिस ऑफिसर्स अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च बेस्ड होते हैं. इससे अच्छा सोर्स नहीं है, इससे अच्छा तैयारी का सोर्स नहीं है. और पाकिस्तान, पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी तैयारी के लिए, प्रेपरेशन के लिए, रीडिंग्स के लिए, रीडिंग मटेरियल के लिए आप वहां से कंसल्ट करेंगे. और फिर वैसे तो मेरी जो पुरानी किताब है वो लाइक हॉट केक बिकती है, मैं यहाँ प्रमोशन करने के लिए नहीं आया उसकी किताब के लिए, वो पहले ही बड़ी तेजी से बिकती है. अभी पब्लिश करते हैं तो दो माह के बाद फिर पब्लिशर की फोन आ रहा है, जी इसको रिवाइज करें, किताब खत्म हो गई है और रॉयल्टी ले लें. तो ये क्या हो गया, ये क्या फीचर्स बेच रहे हो तुम, किताब तो है, कहते जी स्टूडेंट मांगते हैं हम देते हैं. लेकिन जो अब आ रही है ना सितंबर में जो किताब नई, उसमें हमने बहुत गर्व, तो वो मैं आपको रिकमेंड. और इसके साथ एक फॉरेन ऑथर की किताब लीजिए, वो है लैरी जे सीगल. मैंने नाम यहां लिखा था, मैं लिख देता हूं फिर दोबारा, भाई मैं नहीं हूं लैरी जे सीगल, खुदा का नाम ले, ये नाम है क्रिमिनोलॉजी की किताब फॉरेन ऑथर की, लैरी जे सीगल, क्रिमिनोलॉजी फॉरेन ऑथर की किताब लीजिए, क्रिमिनोलॉजी बेटा. ठीक है, मैंने पहले अर्ज किया है कि सारी किताबों से हटकर एक ही किताब मैं रिकमेंड करूंगा स्ट्रॉन्गली, और वो है पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी. ये रीडिंग्स बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, जो मटेरियल आपको इन जर्नल से मिलेगा और किसी किताब से मिलेगा, याद रखिए. मेरी किताब से आपको मेरा 15-20 साल एक्सपीरियंस मिलेगा, मेरी क्वालिफिकेशन नजर आएगी पीएचडी पर, मेरा एमफिल नजर आएगा, मेरा डबल मास्टर्स इसी सब्जेक्ट में नजर आएगा, मेरा मेरी प्रैक्टिस बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर नजर आएगी आपको, मेरी किताब रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी और रिसर्च वर्क नजर आएगा. पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी रीडिंग्स के लिए बेस्ट. और साथ साथ जो मैं टॉपिक आपको, वैसे तो मैं नहीं कहता, कराची सिंध से, लारखाना से, बहावलपुर, बहावल नगर से स्टूडेंट आए हुए कहते हैं कि बस लेक्चर ही काफी होता है, किताब तो हम अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए लेते हैं, बस वो क्लास वाला लेक्चर ही बस लिख दे. ये स्टूडेंट कहते हैं, आई डोंट सी दिस. मैं कहता हूँ नहीं, आप पाकिस्तान जनरल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को कंसल्ट करें, किताब को भी कंसल्ट करें. तो मुझसे सीखने के लिए जरूरी है, मैं पढ़ाता कम हूँ, सिखाता ज्यादा हूँ कि बेटा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, काम कैसे करना है, मार्क्स कैसे देने हैं, क्योंकि हमने आपको स्कॉलर बनाना तो है नहीं, ना कोई डिग्री लेके देने, हमने तो आपको मार्क्स दिलवाना है, स्कोरिंग बनाना है आपको, आपके सब्जेक्ट को, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को. क्लियर है ना? तो पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी जैसा कोई, पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ना है रीडिंग्स के तौर, ऑनलाइन अवेलेबल है. और साथ साथ जो मैं सोर्सेज बताऊं, हर चैप्टर के सोर्सेज बताऊंगा, ये रीडिंग्स है, वो बेटा आपने कंसल्ट कर डन. और फिर भी आप मजबूर करेंगे तो फिर मैं आपको अपनी किताबें दिखा दूंगा कि ये किताबें हैं. वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन जो नई किताब है वो अभी तक मैंने पब्लिश नहीं की, वो आपको दिखा दूंगा कि ये देखेंगे हमने काम किया। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको एक असाइनमेंट दे दी है, व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी और डिस्कस द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। और नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी में सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है क्रिमिनोलॉजी एज अ सोशल साइंस, फिर एज अ बिहेवियरल साइंस, फिर एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस या इंटर डिसिप्लिनरी साइंस, और फिर क्रिमिनोलॉजी वेदर अ साइंस आर्ट और टेक्नोलॉजी, इसको आपने प्रूव करना। क्रिमिनोलॉजी वेदर अ साइंस आर्ट और टेक्नोलॉजी, मैंने यहां पर आपको बताया कि क्रिमिनोलॉजी क्या है, एक्सप्लेन किया और मैंने डिफाइन भी किया। दुनिया की बेहतरीन किताबों और डिक्शनरी से और इंसाइक्लोपीडियाज की मदद से आपके सामने पेश किया कि क्रिमिनोलॉजी क्या है, बताया आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उससे ज्यादा अच्छा काम करके मुझे नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊं तो आप डेफिनेशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी और प्लस नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी पर काम करके आए। याद रखिए मैं काम चाहता हूं और लेक्चर बाद में डिलीवर करूंगा, पहले आपको कहूंगा जरा चेक करवाइए आप क्या लिख कर लाए, 10-15 मिनट उसी को दूंगा, याद रखिए। लेकिन नेक्स्ट सिलेबस का क्वेश्चन है, Critically analyze the criminal justice system of Pakistan. Critically analyze the criminal justice system of Pakistan. अच्छा भाई जब भी criminal justice system को पूछे ना criminal justice system, तो आपके जहन में ये चार पांच बातें आनी चाहिए, चार पांच institution और agencies आनी चाहिए। Number one, police system. Number two, prosecution system. Number three, criminal court system. Number four, prison system. मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नंबर वन, जब भी आप देखें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बातें हो रही है तो इससे मुराद क्या है, पुलिस सिस्टम, द पुलिस सिस्टम, द प्रोसिक्यूशन सिस्टम, the criminal courts system, the prison system, or finally the corrections. The corrections se murad kya hai, the probation system and parole system, probation system and parole system, parole, parole, parole system. beta maine चैप्टर जो आपके सामने रखा है वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, उससे मीनिंग देयर बाय पुलिस सिस्टम, प्रोसिक्यूशन सिस्टम, क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम, प्रिजन सिस्टम मैंने अर्ज किया, और प्रोबेशन एंड पैरोल सिस्टम। ये सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुराद ये है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्रिटिकली एनालाइज The criminal justice system of Pakistan. और हाँ, इन systems पर अलग अलग question भी पूछा जा सकता है, और इन systems में जो important है वो भी आप note करवा लें। Number one, police system important है। Number two, prison system बहुत important है। Number three, probation and parole system बहुत important। इस दफा के फोर्थकमिंग एग्जाम्स के हवाले से मैं अपकमिंग एग्जाम्स के हवाले से बात कर रहा हूं। वैसे तो हमने सारे सिस्टम जी आपको सिखाने के क्या है, लेकिन ये तीनों एग्जाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, दो चैप्टर्स के बगैर पेपर नहीं बनता। टू चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड क्वेश्चन सुन लें, सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द प्यूनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। प्यूनिटिव यानी पनिशमेंट और काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, प्यूनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स।
प्यूनिटिव बेटा, प्यूनिटिव ट्रीटमेंट से मुराद है व्हाट इज पनिशमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट में रिहैबिलिटेशन है, रिफॉर्मेशन है, रीइंटीग्रेशन है, डायवर्शन का कॉन्सेप्ट है, इनकैपेसिटेशन है, वो तमाम टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे जब आपको बताएंगे। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, व्हाट इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। Trace out the history of criminal investigation. Trace the history of criminal investigation. What are the procedural steps? What are the procedural steps and principles of criminal investigation? Next, beta. Next question. Define criminal investigation. What are the operational, legal, and ethical guidelines for investigators? मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। देखिए मैंने पहला प्रश्न बताया आपको। What is criminal investigation? What are a trace out the history of criminal investigation? फिर मैंने कहा what are its procedural steps and principles? What are its procedural steps and principles? आप जब थोड़ा सा लिखने की कोशिश भी करें ना तेज, लगता है आदि नहीं है स्पीड से लिख रहे, और कान को जरा अटेंटिव होके जरा सुने। और नेक्स्ट है जी, define criminal investigation. What are the operational, legal and ethical guidelines for the investigators या investigating officers? Next, इजाजत है आगे बोलूं? Yes sir. सबने noted कर लिए? Already yes. noted? चलो next बेटा, what is criminal investigation? What are the different techniques khaastaur par interview and interrogation, techniques of investigation beta, aur techniques mein khaastaur par interview and interrogation, और इन दोनों का डिफरेंस भी, और फिर मॉडर्न टेक्निक्स याद रखें। टेक्निक्स में इंटरव्यू इंटरोगेशन दोनों का डिफरेंस, और प्लस मॉडर्न टेक्निक्स डिवाइसेस या टेक्निक्स। क्लैरिटी जी, एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, लिखिएगा What kind of modern day knowledge an investigating officer must possess? To become an effective investigating officer, to become an effective investigating officer. ये क्लैरिटी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ फोरेंसिक साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ फोरेंसिक साइंस। इन द डिटेक्शन ऑफ क्राइम, under the criminal justice system, forensic science, its importance simply, अगर आप इसको देखें तो clear। और इसी में kinds of investigation आ जाएगा, forensic science के अंदर ही में kinds of investigation में electronic based investigation, digital investigation,
इंटेलिजेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक बेस्ड पहले बता चुका हूं। तो लास्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अरेस्ट एंड इट्स प्रोसीजर, अरेस्ट एंड इट्स प्रोसीजर बेटा। नेक्स्ट सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर, SEIZURE, सीजर सीज करना, जब्त कर लेना, स्टॉप करना। आगे चलते हैं, स्टॉप एंड फ्रिस्किंग ऑपरेशन एंड इट्स प्रोसीजर। स्टॉप एंड फ्रिस्क, FRISK, फ्रिस्किंग ऑपरेशन, रोकना और जामा तलाशी लेना, जामे तलाशी लेना, नाके पे रोक के, रुक जा भाई तलाशी दिलवा, इसे कहते हैं स्टॉप एंड फ्रिस्किंग ऑपरेशन। पूरा चैप्टर उठ गया भाई। नेक्स्ट राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द फॉलोइंग। इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग, कम्युनिटी बेस्ड पॉलिसिंग, इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग बेटा, कम्युनिटी बेस्ड पॉलिसिंग, मीडियाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मीडियाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। नेक्स्ट साइबर क्राइम्स इन पाकिस्तान, साइबर क्राइम्स इन पाकिस्तान, व्हाइट कॉलर क्राइम्स इन पाकिस्तान, मनी लॉन्ड्रिंग एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम इन पाकिस्तान। मनी लॉन्ड्रिंग बेटा, मनी लॉन्ड्रिंग एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम इन पाकिस्तान, प्लस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड वायलेंट क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड वायलेंट। Next, discuss the role of NAB, FIA and ANF. Discuss the role of NAB, FIA and ANF for combating crime in Pakistan, for combating organized crime in Pakistan. Drugs related crime plus organized crime in Pakistan, white collar crime, organized crime, violent crime in Pakistan, inka role kya hai, aur fir international institutions, isme Interpol aur Europol aur UNODC beta, Interpol aur Euro, ye is tarah andaaz se likhte hain Interpol और यूरोपोल, यूएनओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटरिंग जस्टिस सिस्टम। क्लियर जी? और फिर लास्ट टॉपिक्स है, ये भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, क्राइम एंड जेंडर, terrorism and radicalization. Thank you very much. Terrorism and radicalization. Yeah, the syllabus be complete to our keeping with the past paper. Yeah, any questions jo humne apne lectures bhi cover karne, keeping in with the past papers and syllabus. Aur pehla topic maine aapko diya hai, definitions aur definitions of criminology, define criminology and nature. जब आप लिखेंगे तो फिर मैं और अच्छा उसको check कर दूँगा। I hope कि next time आप जरूर लिख कर लाएंगे। तो जब लिखे हुए मैं tolerate नहीं करता। सर, आपने source क्या बताया? हाँ जी। आपने book कौन सी बताई अभी तैयार करने के लिए ये topic? नहीं, पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी बताई है, वही पढ़नी है।
और अगर कोई और किताब फॉरेन ऑथर की चाहिए तो वो लैरी जे सीगल की किताब है, और अगर किसी पाकिस्तान ऑथर की चाहिए तो मैं वो किताब नहीं बताऊंगा जो लाइक हॉट केक बिक रही है, मैं वो किताब बताऊंगा जो हमने बड़ी मेहनत से तैयार की है और वो अभी प्रिंट आउट होने वाली है, वो बताऊंगा, वो सजेस्ट कर दूंगा, वो आपको दिखा भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर मुलाकात हो। हाँ वो नेक्स्ट लेक्चर में कर। अभी ये पूरी एक रेल